पर नाम से होती है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अब तक आपने संभाले रखा है प्रभु जी। प्रभु जी हम पापों में थे, आपने हमारे लिए अपनी जान दी पिता। आपका पाक लहू आज भी ताज़ा है मेरे परमेश्वर पिता। बाइबल में हर एक बात विश्वास के जरिए लिखी गई है पिता। आपने विश्वास के जरिए चंगाइयाँ की है मेरे यीशु राजा। आज भी वो विश्वास लेके कई लोग आए हैं मेरे परमेश्वर आपके पास। आज भी कोई कर्जों में, कोई बीमारियों में है पिता। हर कोई आज बोझ से दबा हुआ है मेरे परमेश्वर। पर वचन कहता है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ यीशु राजा, हर एक को अपने विश्राम से भर मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए मेरे प्रभु जी। आज की वर्शिप को, आज की मीटिंग को, आज के वचन को प्रभु जी, हर एक बात को आपकी ओर से आशीष हो प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज सब कुछ हो मेरे परमेश्वर। आज के पूरे सिस्टम को आशीष करना प्रभु जी। हमारे प्रेयर बॉक्स में जितनी भी प्रार्थना पिता विश्वास के साथ डाली गई पिता, प्रभु जी विश्वास के जरिए वो कबूल हो मेरे प्रभु जी। इसी दुआ प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर से दिन के लिए। धन्यवाद राजा कि आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एनेबल किया ताकि हम आपके भवन में आए, स्तुति आराधना करने पाए। धन्यवाद प्रभु हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए। पिता हमें वो भूख दीजिए, वो प्यास दीजिए ताकि हम आपके चरणों में बैठ कर आपकी वचन के मनन करने पाए, आज्ञाओं पे चल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं।
रहते हैं आप सारे जहां का, है तू सरदार। पेट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे झूलने से जिंदगी मेरी सवर गई। आइए हम वापस ही गाएंगे। यस प्रभु जी, आपने जब आप हमारे ज़िंदगी में करीब आए, आपने जब हमें छुआ, हम पूर्ण रीति से बदल गए परमेश्वर। यीशु तेरे करीब आने से ज़िंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से ज़िंदगी
सब खड़े होके प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम सब खड़े होके मिलके गाएंगे, ये दिन प्रभु का है उसमें हम आनंद करें, कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिए। आमीन। ये दिन प्रभु का है उसमें हम आनंद करें, ये दिन प्रभु का है उसमें हम आनंद करें, कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिए, कितना महान है वो, सब कुछ हम
पृथ्वी बनाया,
तेरी हर पल
आपकी आत्मा मंडरा रही है हमारे बीच में, हमारे भवन में. यस प्रभु जी, आइए हम सब आराधना में जाएंगे. थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. Father, as your word clearly said, O Lord, when two or three gather in my name, my presence shall be there. Yes, Father, your presence is among us. Touch us, O Lord, that every bondage, every hurdle that comes between our relationship with you, Father, would be broken. Amen. Yes. Father, we were lost, but it was by your grace, O Lord, that we came here. We were chosen for your kingdom. Amen. We are being used as an instrument for your kingdom. Father, we pray that this instrument would be used more and more just to glorify your name. Yes, Lord. Bhule aur bhatke te hum, jaate to jaate kahan, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो. दुनिया की चिंता छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें. दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, महिमा.
और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। तेरी इच्छा पूरी
मुझको उठा, मुझको बना। यस प्रभु जी, मुझे उठाइए और आपके जैसा बनाइए। यस प्रभु, यस प्रभु। फॉर द वर्ड सेज योर लॉर्ड इज होली एंड थाउ आर्ट, यू आल्सो हैव टू बी होली योर लॉर्ड। आमेन। यस फादर, हमारे अंदर वो सब गंदी चीजें निकालिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो आपके और हमारे बीच में आती है। यस प्रभु, यस। हम हमारा सारा बोझ आपको देते हैं। यस प्रभु, बिकॉज योर योक इज मच लाइटर देन आवर बर्डन ओ लॉर्ड। आमेन। द जॉय दैट वी गेट इन योर फेलोशिप, द जॉय, द पीस दैट वी गेट इन सर्विंग यू इज मच मोर देन द मनी, इज द मच मोर देन द वर्ल्डली थिंग्स ओ लॉर्ड। Help us to be involved in you. Help us to carry your yoke, Lord. Yes, Prabhu. Mere man mein tu hi tu, mere nazar mein tu hi tu, mere hoton pe tu. मेरे होठों पे तू ही तू,
घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे
प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि सारी महिमा के योग्य, सारे स्तुति के योग्य केवल आप हैं प्रभु जी। प्रभु आज हम चाहते हैं प्रभु, आज तू हमें बना परमेश्वर, जैसा आप चाहते हो परमेश्वर वैसा हमें बनाइए प्रभु। प्रभु हम तैयार हैं वैसा बनने के लिए प्रभु, आज को अपनी चाक पर हमें रख प्रभु और हमें बना परमेश्वर प्रभु। हम इस दुनिया की भीड़ में प्रभु हम खोना नहीं चाहते प्रभु, वरन प्रभु हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति हम आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, आत्मा से प्रभु सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। मिलकर सभी चाक पर, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। मर्दे रूह से अपनी सामर्थ से, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना जाऊँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं, कहीं बिगड़ना जाऊँ मैं, बिगड़ना जाऊँ, मेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं को ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊँ मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, और बढ़ते रूह से, बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ से, मर्द से
अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। मैं कह सभी महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। एक बार और महफूज हूँ मैं, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बरदे रूह से अपनी समर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने अपने बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरे प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक उन आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु आज हमें खड़ा किया है प्रभु, तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए तूने हमें खड़ा किया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मिलकर धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, सच्चा जिंदा खुदा।
परमेश्वर प्रभु, स्तुति आराधना के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, कैसे अद्भुत रीति से आपने ये जो गीत है प्रभु जी उनको दिए, जो ये गीत बना पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और उन्हें भी ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने भी ये गीत लिखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि इसके द्वारा हर बार कितनी बार हम आपकी महिमा करते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को ग्रहण किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है यहोवन्ना में कि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और यहाँ पर हम हर एक भाई बहन का ऐसा विश्वास है कि आप स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में प्रभु जी हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को ग्रहण किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आए हुए सभी भाई बहनों को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे जो हम वचन में जाए मेरे पिता प्रभु, उसे भी ब्लेस करना, हमारे पास्टर जी को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो भी वचन हो मेरे पिता वो हर एक के लिए हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में और भी आगे बढ़ते जाए और दृढ़ होते जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पर अनुग्रह करना प्रभु जी, हम उस पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, और हम कोशिश करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थ भी आप ही देते हैं मेरे पिता प्रभु। हम हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। सच में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। प्रभु ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, हालेलुया। उनको याद करेंगे कि कैसे प्रभु ने हमारे साथ भलाई की है, कैसे हमारा जीवन था, कैसे हम नाश की ओर जा रहे थे, परंतु प्रभु ने अपनी बड़ी दया से हम पर दया की, हालेलुया। देखिए कहाँ पर इज़राइल है और कहाँ पर हम उल्लास नगर में हैं। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, पूरे संसार से प्रेम किया, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से, इस पूरे जगत से, हर एक मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। केवल विश्वास करने के द्वारा ही हम लोग अनंत जीवन को पा सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें नया जीवन दिया है, हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु को देंगे, हम ताली बजाकर प्रभु का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ताली बजाकर स्वागत करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया। संडे का दिन है और गवाहियों का समय है कि हम चाहते हैं कि जिन भी भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, वो आगे आकर अगर प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहते हैं तो भाई आकर मुझे आकर गवाही दें, और बहनें आकर आगे सिस्टर्स बैठे हैं उनको गवाही दे सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम संजना है और मेरी ये गवाही है कि कुछ दिन पहले मेरा एग्ज़ाम था ऑफिस की ओर से और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी और मुझे दो दिन में एग्ज़ाम देना था और मेरा पोर्शन भी पूरा कवर नहीं हो रहा था और मुझे पास भी होना था. पर प्रभु की दया से मुझे विश्वास था कि प्रभु मुझे ज़रूर पास करवाएंगे और मेरे विश्वास के अनुसार प्रभु ने मुझे अच्छे मार्क्स से पास कर दिया. इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये सिस्टर लक्ष्मी जो अभी यहाँ से जा रहे हैं उनकी गवाही है कि 8 दिन के लिए वो गांव गए थे और वो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती है कि प्रभु ने उन्हें पूरा टाइम संभाला. उनकी बेटी उनके बेटे वाल्मीक और बहू संपदा को प्रभु ने अच्छी रीति से संभाला और उनका आना जाना आशीष किया और वो कहती है कि प्रभु बहुत महान है, दयालु है, जहाँ कहीं हम जाते हैं वो हमारे संग रहते हैं. इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती है. प्रेज द लॉर्ड. हमारे बीच में अशोक भाई हैं, वो अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनके पास एक स्मार्टफोन था, मोबाइल जो अपन सबके पास रहता है, तो अचानक गिर गया वो. तो गिर गया तो उसमें ख़राबी आ गई. उसे बनाने के लिए बहुत सा खर्चा था, तो भाई के पास उतना खर्चा नहीं था कि उसे बना सके. तो भाई के पास एक और पिछला वाला फ़ोन पड़ा हुआ था जो उन्होंने यूज़ में नहीं रखा था, एक स्पेयर में रखा था. तो भाई बोल रहे थे वो भी पुराना है, क्या मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा. उन्होंने उसमें सिम कार्ड डाला और अपना, और ये चाहते थे कि मैं मोबाइल से हमेशा प्रभु का वचन और गीत सदा सुनते रहते थे. वो बोलते थे कि मैं ऐसा नहीं हो कि मेरा मोबाइल बंद हो जाए तो मैं प्रभु का गीत नहीं सुन पाऊँ. परंतु इन्होंने पुराने मोबाइल में चिप और वो डाला और उसमें भी थोड़ा ऐसे कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन भाई बता रहे हैं कि 100 रुपये में मेरा वो मोबाइल रिपेयर हो गया और अभी अच्छे से चल रहा है और प्रभु का गीत सुन सकते हैं और इनका जो कार्य है फ़ोन किसको लगाना या आना फ़ोन वो सब अच्छे से हो रहा है. इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर आरती की गवाही है, वो बता रही है कि अभी लास्ट फ्राइडे को उनकी 7 ईयर्स की डॉटर है, उनको बहुत पेट में दर्द था तो सिस्टर ने प्रेयर करवाई और बेटी चंगी हो गई. इसके लिए वह सारी महिमा प्रभु को देती है. सिस्टर आरती की एक और गवाही है कि उनके बहनों ही हैं गांव में, उनको काफ़ी 3-4 मंथ से फीवर था, वो उतर ही नहीं रहा था. उन्होंने बहुत टेस्ट वगैरह करवाए थे पर फिर भी उनका फीवर नहीं जा रहा था. बहन ने यहाँ पे प्रार्थना रिक्वेस्ट दी, बॉक्स में डाली और प्रार्थना भी करवाई. बहन बता रही है कि अभी उनके बहनों ही चंगी है. इसके लिए वह सारी महिमा प्रभु को देती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे बीच में ब्रदर विजय राजवानी हैं, ये कल्याण में एक हॉस्पिटल में काम करते हैं. इनका जो ड्यूटी है ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहता है, डॉक्टर के साथ में ये हमेशा रुकते हैं. हालेलुया. तो ये गवाही बता रहे हैं कि कुछ दिन से वो प्रभु की उपस्थिति को वहाँ पर महसूस कर रहे हैं. मतलब तो इनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था, 80 साल का बुजुर्ग था, उनको कोई ऐसी समस्या थी
तो उनको डॉक्टर ने बोला भाई इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी 80 साल की उम्र है तो ऑपरेशन करने की उनकी कंडीशन भी नहीं थी कि उनका ऑपरेशन किया जाए, तो वो टाइम पे उनका ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया और उनको वेंटिलेटर पे लगा दिया। तो वेंटिलेटर पे लगाया तो कुछ समय के बाद भाई बता रहे हैं कि उसमें इंडिकेटर पे एकदम फ्लैट लाइन आ गया, मतलब ऑक्सीजन लेवल ज़ीरो हो गया, हार्ट बीट टोटल बंद हो गया। मतलब डॉक्टर ने उनको उनके बेटे को जवाब दे दिया कि भाई आपके पापा जो हैं वो चले गए हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। और भाई बता रहे हैं कि मैंने कुछ प्रार्थना भी नहीं किया था, दूसरे दिन अचानक ऐसे हो गया उनका सांस वापस से चालू हो गया, वहाँ पर वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं वो ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो ज़ीरो ही बता रहा था। लेकिन भाई प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, तो वहाँ पर उनके जीवन में ऐसे वापस से जान आ गई। हालेलुया, अभी वो भाई बता रहे हैं कि वो एकदम ठीक हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड, बहन शांति की गवाही है कि उनके बहन के जो हस्बैंड जीजा जी जो हैं उनके, वो दिल्ली में रहते हैं और उनको शराब की बहुत आदत थी, और वो ऐसा भी कहते थे कि जिस दिन मेरा दारू बंद हो गया मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, और वो कहते थे कि दारू ही उनका जीवन है। इसलिए उनकी वाइफ यानी इनकी बहन बहुत परेशान थी, और बहन ने उन्हें ये शांति बहन ने अपने बहन से कहा कि आप प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु का नाम लो, प्रभु मार्ग निकालेंगे। तो उनकी बहन ने विश्वास रखा और प्रभु के नाम से आज वो उनका दारू जड़ से उखड़ गया है, वो बिल्कुल भी नहीं पीते, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। हालेलुया। बहन की दूसरी गवाही है कि शांति बहन की बेटी रात 12 बजे उनकी तबीयत शांति बहन की बेटी यानी वो जीजा जी की बेटी रात 12 बजे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उनकी बहन को याद आया कि उनकी शांति बहन ने उन्हें बताया था कि अकेले में भी प्रभु उनके साथ है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपनी बहन को यानी शांति बहन को कॉल किया और उनसे प्रार्थना करवाई। उस टाइम पर रात को 12 बजे कोई दवाखाना न खुला था, पर बहन ने जब उनकी बेटी उनकी बांजी के लिए प्रार्थना की तब वो पूरी रीति से चंगी हो गई, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर अशोक कुमारी की गवाही है कि उनकी बेटी को हार्ट की बहुत तकलीफ़ थी काफ़ी महीनों से, और उनके हाथ पैर में भी बहुत दर्द होता था, पर बहन हर संडे प्रार्थना करवाती थी और वो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हैं कि यीशु के नाम से उनकी बेटी पूरी रीति से अब चंगी हैं, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। उनकी दूसरी गवाही ये है कि उनको भी बीपी की बहुत तकलीफ़ थी और हाथ पैर में बहुत दर्द होता था, और वो भी अपने लिए भी संडेज़ को प्रार्थना करवाती थी और प्रभु ने उनका पूरा दर्द निकाल दिया, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। हालेलुया। जिनके भी जीवन में अगर कुछ कार्य होता है, गवाही होती है, अगर हम किस चीज़ के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आप कृपया मेरी इस प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दीजिए, और उसका उत्तर अगर मिलता है, प्रभु गवाही करता है और अपनी प्रभु की महिमा होती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये गवाही देना ज़रूरी है तो आप ज़रूर आकर गवाही दें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और दूसरों का विश्वास भी बढ़े। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर अर्चना यहाँ आकर गवाही देके गए, वो बता रही है कि उनकी भाभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थे पर उनको कुछ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो सिस्टर को बताया और सिस्टर ने यहाँ से प्रार्थना करवाई, उनकी भाभी चंगी हो गई और अब वो ठीक है, इसके लिए वह सारी महिमा प्रभु को देते। प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर इंदु की गवाही लिखकर आई है, वो बता रहे हैं कि लास्ट वीक उनके बेटी की इंगेजमेंट हुई और विश्वासी परिवार में हुई, इसके लिए वह सारी महिमा प्रभु को देती है।
और वो बता रहे हैं कि जो जो प्रार्थनाएं उन्होंने अपने बच्चों के विषय में बचपन से की थी वो अब उन्हें पूरे होते दिखाई दे रही है, इसके लिए वह सारी महिमा प्रभु को देती है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर फातिमा की गवाही लिख के आई है, वो बता रहे हैं कि उनके पानी की मोटर है जिसमें कुछ जंग पकड़ गया था या कुछ वायर का इशू था, इसके लिए वह बंद हो गई थी। सिस्टर ने उस पर तेल लगा के प्रार्थना की और वो मोटर शुरू हो गई, इसके लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती है। हालेलुया। कितने लोग सामने इस वचन पर जो लिखा है स्क्रीन पर पढ़ते हैं? हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या हम लोग हर बात में धन्यवाद करते हैं? कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं पहले अपने ऊपर लूँगा, फिर मैं आपसे पूछूँगा। बहुत बार प्रभु हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है ना, तो हम कभी कभी धन्यवाद करना भूल जाते हैं, काम में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, फिर बाद में याद आता है, अरे प्रभु से मैंने मन में ये बोला था कि प्रभु तू मेरा ये कार्य कर देना, तो मैं तुझे महिमा ज़रूर दूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। भूल जाते हैं, ये हमारी गलती है। हमको ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना है। धन्यवाद हमको किसको दिखाने के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे मन में भी जानता है। अगर दो शब्द अगर धीरे आवाज़ में भी अगर बोलेंगे तो प्रभु हमारे उस धन्यवाद को सुनता है। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो हर बात में आप सब लोग प्रभु का धन्यवाद ज़रूर करें। आज हम सब लोग जो कलीसिया में आए हैं, हम पर प्रभु की दया है कि उसने प्रभु ने आज का दिन हमको दिखाया है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज का दिन देखा भी नहीं होगा, इस संसार को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन प्रभु ने अपनी बड़ी दया से हम पर दया की, हमें एक नया दिन दिया जीने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर संगीता की गवाही है, वो कह रही हैं कि उनकी लड़की 26 साल की थी और 2 साल से उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था। वो घर पे बहुत परेशान थे, पर अब उनका रिश्ता हो गया है और वो शादी के लिए तैयार भी हैं आने वाले दिनों में, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मीरा की गवाही है, उनकी बेटी स्वागिनी नाम है उनका, उनके आँख से पानी निकलता था और सर में बहुत दर्द भी होता था, पर जब उन्होंने प्रार्थना करवाई और तब उनका पूरा दर्द भी निकल गया और आँख से जो पानी बहता था वो भी बंद हो गया, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। सिस्टर मीरा की दूसरी गवाही है कि उनको गांव में सरकार की तरफ से एक घर मिलता है और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें उनके नाम से वो घर उन्हें मिले और सच में बहन के नाम से ही वो आया है और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से उन्हें घर भी मिलने वाला है, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर उषा की गवाही है कि उनकी पोती के सर में गांठ थी तो उन्होंने चेक करवाया तो रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा, जब उनकी मम्मी मतलब उषा सिस्टर की बहू जब उनके बेटे का रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगी, आप बेटी को भी लेके आइए। तो उषा सिस्टर और उनकी बहू बहुत घबरा गए कि ऐसा क्या हुआ कि रिपोर्ट नहीं मिल रही है, वो बहुत डर गए और उषा सिस्टर ने प्रार्थना की कि जो भी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आए, उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की और जब उनकी बेटी को भी लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती है। हालेलुया। मैं एक अपनी गवाही देना चाहूँगा, मैंने दी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गए साल में दिसंबर महीने जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने कुछ ठंडा खा लिया था, एकदम ज़्यादा ठंडा था, तो मेरे गले को और छाती को जो है ना उसने पकड़ लिया, वो मतलब मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई थी, गला ख़राब, सर्दी खांसी,
और खांसी भी जो है ना मेरे को एक अजीब किस्म की हो गई थी। मैं मतलब खांस रहा था, मतलब कभी मैं ज़िंदगी में ऐसे कभी खांसा नहीं था, तो वैसे मेरे को खांसी हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लगभग 8-10 दिन मैंने डॉक्टर की दवाई ली, उन्होंने कहा खांसी आपकी उतर जाएगी, मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था। लेकिन जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हुआ दवा का, फिर मैंने थोड़ा सा कुछ बाहर का नाश्ता अगर कुछ खा लिया ना, फिर वापस से वो मेरे को वो इन्फेक्शन वापस से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने MD डॉक्टर को दिखाया, भाई मुझे ऐसे मेरे को तकलीफ हो गई है। तो मैंने उनकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली, उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, 10 दिन मैंने वो दवाइयाँ गोलियाँ ली, मुझे 70-80% फ़ायदा हो गया। तो मुझे लगा मैंने अभी दवाई बंद कर दूँ तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ वापस से बाहर से कुछ नाश्ता वगैरह खा लिया, फिर वापस से वो इन्फेक्शन वापस जग गया, मतलब तबीयत वैसी ही ख़राब हो गई। वो मतलब वो महीना क्रिसमस का महीना था और कलेशिया में बहुत सारे काम भी थे और आगे प्रोग्राम भी थे, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी सारी तकलीफ़ हो रही थी। तो ऐसा करते करते ना मेरी कम से कम 3-4 महीना ये मुझे तकलीफ़ चली, मतलब मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, फिर वापस से मैं दवाई मतलब कुछ बाहर का थोड़ा बहुत खा रहा था ना, फिर वापस वो मुझे तुरंत पकड़ ले रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत मना कर दिया कि अभी आप बाहर का कुछ खाओ ही नहीं, मतलब आपको क्या चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है आपको मालूम नहीं पड़ता है। और मैं बहुत सोच समझ के खाता था कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, मतलब अपने इच्छा को बहुत मारता था। तो 3-4 महीना ऐसा हो गया और उतर नहीं रही थी। तो एक दिन मैंने प्रभु के दास से पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने उनको बोला कि इनके लिए प्रार्थना करिए कि बहुत सारे 3-4 महीना हो गया है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो इनकी खांसी उतर क्यों नहीं रही है। तो प्रार्थना भी किया और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज 15-20 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है। हालेलुया, मैं पूरी रीति से चंगा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सोनाली की गवाही लिख के आई, वो बता रही है कि उनके गर्दन में और कंधे में बहुत दर्द था जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे थे, पर जब उन्होंने ऑयल का प्रेयर लगा के प्रार्थना की तो उनका दर्द चला गया, इसलिए वह सारी महिमा प्रभु को देती। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर इंदु की गवाही है कि वो मंगलवार को चर्च आए थे और जब वो चर्च से वापस घर में गए तो बाथरूम में वो गए थे पर लाइट बंद था, तो वहाँ पर लाइट बंद में उनके पैर पर सांप ने काट लिया था, तो उनको थोड़ी देर में दर्द होने लगा और बहुत जलने लगा। और रात को जब वो डॉक्टर को दिखा के आए और प्रार्थना की तो वो पूरी रीति से चंगी थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। हालेलुया, इतनी सारी गवाहियां हमारे बीच में हुई है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम सब लोग सही सलामत जीवित हैं, इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आइए ये समय है कि हमारे बीच में हम नए भाई बहनों का हम स्वागत करेंगे। जो भी भाई या बहन पहली बार प्रभु के भवन में दरबार में आए हैं, मैं चाहता हूँ कृपया 2 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। जो भी भाई या बहन पहली बार आए हैं, हालेलुया, शर्माए नहीं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, देखिए इतने सारे भाई और बहन हैं प्रभु यीशु मसीह के दरबार में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको एक छोटी सी पुस्तक दी जा रही है जिसमें लिखा है यीशु मसीह कौन है। आप इस पुस्तक को घर पर जाकर आराम से ज़रूर पढ़िए और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करिए, मानिए नहीं परंतु पहले समझने की कोशिश करिए। आप जब भी पढ़ेंगे ना तो आपको सच्चाई के बारे में पता चलेगा। कृपया आप बैठे नहीं, मैं चाहता हूँ भाई और बहन इनको गाइड करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चले जाए, आपको 10 मिनट के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आप सत्संग में बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। सिस्टर जी आप जाएंगे ऊपर। दो जन जाएंगे कोई भी।
हालेलुया। आइए हम आज का ब्लेसिंग वर्स पता है, ठीक है, ब्लेसिंग वर्स जो है हमने आज सामने पढ़ा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि अभी बेटी अंशिका और कोमल बेटी आगे आकर गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब आनंदित हैं? देखकर मुझे मुसीबत और गुनाहों में पड़ा, मेरे अपने भी हो गए थे मुझसे जुदा, माफ़ी देकर मसीह ने किया अपने प्यार को अदा, ऐसी मोहब्बत को देखकर यारो यीशु मसीह पे मैं हूँ फिदा। तो आज हम एक गीत गाएंगे जिसका नाम है ठोकर मारो सूट बूट को। तो हम शुरुआत करें इस गीत को। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारों में बदलाया है। मसीह का राज आया है, तारों में बदलाया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे में बदलाया है। मसीह का राज आया है, तारे में बदलाया है। क्या मसीहा लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए अभी तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए हम समय नहीं गवाएंगे, हम हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सनी वासवानी का हम स्वागत करेंगे जो आगे आकर हमें प्रभु का वचन सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्षमा चाहता हूँ लेट होने के लिए, आमेन। पर मैं जानता हूँ कि इस दौरान जो भी आपने गवाहियाँ सुनी परमेश्वर ने उन गवाहियों से आपका विश्वास बढ़ाया। हालेलुया। जोरदार तालियों कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन।
हमारे जीवन में हर एक भले कामों को इन गवाहियों को करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आइए हम आँखों को बंद करें, एक दुआ करें, हम वचन में जाएंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर एक से बातें करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। उसकी इच्छा है कि हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो। आमीन। बोलिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारी हर एक छोटी सी छोटी आवश्यकता को परमेश्वर सुनता है, जानता है, उसे पूरा भी करता है। आमीन। जिन्होंने ऑनलाइन नहीं सुना क्योंकि आवाज़ नहीं गई होगी, तो मैं उनके लिए गवाही बता दूं। सिस्टर संपदा गांव जाने वाली थी, टिकट बुकिंग थी, कंफर्मेशन भी था, परंतु उनको ऊपर की सीट अलॉट हुई। इनकी दुआ थी प्रभु से कि ये ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी, तो जो नीचे वाले आए वो खुद ही ऊपर जाए ताकि इनको नीचे का सीट मिले। और परमेश्वर ने इनकी दुआ को सुना, वो आया बिना किसी संकोच के, उसने उस सीट को स्वैप किया और ये आराम से गांव जा पाई। सारी महिमा इस गवाही के लिए प्रभु को देंगे। आमीन। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि इन गवाहियों को सीट मिल गई, टिकट कंफर्म हो गई, पानी आ गया, लाइट आ गई, राइट। थोड़ा अजीब भी लगता है यार, कैसे गवाहियाँ दे रहे हैं हमारे ब्रदर्स, जो खास करके पुराने होंगे, है ना, जो आगे बढ़ गए होंगे। नहीं, गवाहियों से मज़ा नहीं आता, पर ये है ना, छोटी छोटी गवाहियाँ ना हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ दिखाती हैं कि वो हमारी कितनी छोटी सी छोटी आवश्यकताओं में इंटरेस्टेड है। वो चाहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा मांगे तो मैं दूंगा, राइट। हमारे बच्चे जब होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो बड़ी रकम लगती है ना, बड़ा कुछ होता है, मुझे यही कॉलेज चाहिए, राइट, बड़ी होती है। पर वही बच्चा बोलता है, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आज इस रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, आज मुझे पिज्ज़ा मंगा के दो, राइट, या आज मुझे पार्क में लेके चलो। इजी है ना, ये हर माँ बाप करता है, पर जब बच्चा बोलता है तो उन इच्छाओं को पूरा होता है। और ये दिखाता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप पे, अपनी आवश्यकताओं के लिए कितना डिपेंडेंट है, राइट। और भले माँ बाप भले उसको कॉलेज, डॉक्टरी, ये सब करवाते हैं, पर उसी माँ बाप को उसको एक चॉकलेट देने में, एक आइसक्रीम खिलाने में, एक पार्क में ले जाने में कितनी खुशी होती है कि मेरा बेटा खुश हो रहा है, मेरी बेटी खुश हो रही है, वो खेल रहा है, राइट, इन्जॉय कर रहा है। तो ये है वो रिश्ता। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा मांगें और बड़ी कोई चीज़ पूरी हो तभी हमारा विश्वास है। हमारे विश्वास की शुरुआत इन छोटी छोटी गवाहियों से ही होती है। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार होता है हमारे घर में, मेरी मम्मी को ऐसे अचानक से रात को 1 बजे होता है, मैं पिस खाऊँ या मैं फलूदा खाऊँ, और पहुँच जाता है फलूदा। ये उनके हृदय में इच्छा होती है, अभी रात को सब दुकान बंद है, कहाँ से फलूदा आएगा, पर अचानक से मैं घर पे फलूदा ही लेके आके पहुँचता हूँ, या मेरे पापा कुछ लेके आएंगे, या हमारे कोई रिलेटिव आते हैं वो देके जाते हैं। समझ रहे हो कि ये इच्छा थी और प्रभु ने पूरा किया। समझ रहे हो, कमी नहीं है, हम लेके जा सकते, पर और टाइम है, मिल नहीं सकती वो चीज़, पर आपने हृदय में जस्ट मांगा और आपके सामने वो चीज़ अवेलेबल हो गई। समझ रहे हो, इतना हमारा परमेश्वर हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं में इंटरेस्टेड है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसे क्या चाहिए, किस चीज़ से मेरे बच्चे को खुशी मिलती है, सेम वर्ण उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। एक छोटी सी दुआ को करें। पिता, तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा इस दिन के लिए, इस समय के लिए जब आपने हमें इकट्ठा किया है। भजन संहिता 65:4 का वचन कहता है, धन्य है वे जिन्हें चुनकर तू अपने नज़दीक आने देता है। पिता, हाँ प्रभु, आपने उन चुने हुओं में हमें रखा जो आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी वाणी को सुन सकें, पिता आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, उस समय संसार के अंदर करोड़ों लोग हैं पिता जो असहाय हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं पिता, प्रॉब्लम्स में पिता, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है पिता, वे नहीं जानते किसके पास जाएं प्रभु, किससे सहायता मांगें, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भी ऐसी परिस्थितियों में थे, पर आज हमारे जीवन में सुकून है, शांति है, आशा है, विश्वास है, अच्छाई है प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा आप है और हम निश्चिंत हैं पिता
कि हमारी हर एक समस्या में अब हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो हमें चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, खुशियाँ, वो अनुग्रह और अच्छाई दोगे पिता। प्रभु हम निराश नहीं हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारे पास होप है पिता परमेश्वर, आशा है पिता। आपने हमें अपने विश्वास में बढ़ाया पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद। आज इस सुंदर समय को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। मैं अपना ताबा आपके हाथों में देता हूँ। चाहता हूँ प्रभु, बोलने वाला मैं न हूँ, परंतु आपका आत्मा यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से बातें करे पिता। तू हर एक के हृदय को तू जानता है पिता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है पिता। ये वचन उनके जीवन में प्रभु आशीष को लाए पिता और शांति को लाए पिता। प्रभु होने दीजिएगा हमारा रिश्ता प्रतिदिन तुझके साथ तेरे साथ जुड़ता जाए और बढ़ता जाए पिता। और प्रभु हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो पिता। आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अनाउंसमेंट को ध्यान से सुना है। जो भी सभाएँ होने जा रही है, चाहे वो यूथ मीटिंग है, चाहे थर्सडे को जो हालेलुया 5 जो उल्लासनगर के अंदर 7 आवर्स नॉन स्टॉप वर्शिप होने जा रही है, हालेलुया, 7-8 कलीसियाएं मिलकर उनकी सारी टीम्स आराधना करेंगी। वचन सिर्फ थोड़ा ही होगा। जो पास्टर जिनको दर्शन मिला है, पास्टर ऑक्टेन नेविस जी हैं, वो बताएंगे कि आराधना का महत्व क्या है, क्यों उनको ये दर्शन आया। हालेलुया, हम बहुत अलग अलग कलीसियाएं हैं, अलग अलग दर्शन हैं उनके, राइट, पर आराधना हम सबको जोड़ती है, राइट। हम बोलते हैं ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आप उस दिन वो अनुभव करोगे, हालेलुया। मैं जानता हूँ वो वर्किंग डे है, थर्सडे है, बहुत सारी कलीसियाएं उसमें जुड़ेंगी। तो आपसे निवेदन है, उस मीटिंग में समय पे जाइएगा। ऐसे नहीं कि आपको अंदर जाके 7 घंटे बैठना ही है। आप 2 बजे जाके 4 बजे भी आ सकते हो, 4 बजे जाके 8 बजे भी निकल सकते हो, राइट, जैसे आपकी सुविधा हो। पर जल्दी जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा और आप उस दिन कुछ नया अनुभव करोगे, हालेलुया। और उनका उद्देश्य है कि उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, ये जो भी नगर हैं, इनके अंदर एक रिवाइवल, नया रिवाइवल आए, हालेलुया। परमेश्वर के दास का दर्शन है और इसमें सेवादारी भी लगेंगे। और पास्टर जी को बड़ी होप है, पास्टर विजय दलवानी जी को, कि हमारे कलीसिया से बहुत सारे वॉलंटियर आएंगे। तो सिर्फ ब्रदर्स नहीं, सिस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। हम डिसाइड करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। जो उस दिन सेवा के लिए भी अवेलेबल होंगे, आप अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं, हालेलुया, क्योंकि हमें परमेश्वर का कार्य करना है, राइट, हालेलुया। और आप वहाँ पे देखना, आराधना के द्वारा, आराधना के वहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, कोई इतनी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी कि लोग हील हो जाएं, पर आराधना में देखना आप चंगाई कैसे होती है, छुटकारा कैसे होता है, बंधन कैसे टूटते हैं, हालेलुया। आप लिटरली उस दिन अनुभव करोगे, हालेलुया। मैं इंकरेज करूँगा, क्योंकि आपको कल आया होगा मैसेज इस सभा के बारे में, और प्रमोशनल वीडियोस आ रहे हैं, जुड़िए। सच में परमेश्वर की महिमा देख रही है ना, जुड़िए इन बातों से, आप अपने व्यक्तिगत विश्वासी जीवन में बदलाव को भी देखेंगे, हालेलुया। और अद्भुत होगा, बहुत सिस्टमेटिकली होगा, सब कलीसियाएं मिलकर करेंगी, कितना अच्छा लगेगा, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे पता है उस दिन जो उल्लासनगर के अंदर ना गड़बड़ी की स्पिरिट्स जो काम कर रही हैं, हालेलुया, विभाजन की, नफरत की, डिविजन्स की, राइट, है ना, गड़बड़ियों की, गलत डॉक्टर, वो सब भागेंगी, सब भागेंगी, हालेलुया। और परमेश्वर बड़ा काम करेगा। और सैटरडे यूथ मीटिंग है, मैं यूथ को इंकरेज करूँगा, भले ही कम जुड़ते हो, पर मुझे अच्छा है जितने जुड़ते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा आने वाले समय में। हो सकता है जो जुड़ रहे हैं परमेश्वर आने वाले समय में उनको फ्यूचर पास्टर्स, लीडर, वर्शिपर्स करके खड़ा करेगा और वो बड़ी कलीसियाओं की स्थापनाएं करेंगे, आमेन, हालेलुया। बीज बोए जा रहे हैं, परमेश्वर बढ़ाने का काम करेगा, हालेलुया। तो किसी भी सेवकाई से मैं निराश नहीं होता हूँ। मैंने ये सीखा है पिछले समय में, लोग देखते हैं, अरे यार खाली 20 जने ज्वाइन हुए, अरे 100 जने तो होने चाहिए थे। जिसके मन में परमेश्वर ने इच्छा उत्पन्न की, वो आया, परमेश्वर को वो इच्छा थी, वो पूरा हुआ। सेवा का दिया हुआ काम विश्वास योग्यता से पूरा करो, फल खुद ही खुद उत्पन्न होंगे, हालेलुया। एक ड्यू समय में खुद ही एक फ्लरिशमेंट आएगी, हालेलुया। जमीन में एक बीज बोया जाता है ना, पेड़ आता है, पेड़ में से सैकड़ों फल निकलते हैं, राइट, इट टेक्स टाइम, राइट। तो आप खाली बीज बोने का काम करो, परमेश्वर बढ़ाएगा। आज का वचन हम पढ़ेंगे, पहले यमुना 3:16 पढ़ लेंगे, फिर मैं सब्जेक्ट रखूँगा
और हम वचन से जल्दी जल्दी सीखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 सबको पता होना चाहिए। और ये वचन है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। हम अनंत काल के जीवन को पाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मैं चाहूँगा बाजू वाले भाई और बहन को कहिए, आज का वचन तेरे लिए और मेरे लिए है। बोलो, तेरे लिए और मेरे लिए है। अपने हृदय को तैयार रख। बोल, अपने हृदय को तैयार रख। आज प्रभु कुछ अच्छा करने वाला है। आमीन। आमीन। आज से 2000 साल पहले यीशु इस संसार में आया, राइट? और ये संसार हम मनुष्यों के लिए बनाया गया था, आदम और हवा के लिए, राइट? और उसकी संतान के लिए। और प्रभु ईश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान, राइट, इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेकर आया। उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपनी प्रभुता को, अपने अधिकारों को छोड़ दिया और एक शरीर में होकर हमारे बीच में डेरा किया। लाइक एक बड़ा काम करके वो आया। और ये जो पृथ्वी थी ना, हम मनुष्यों का घर है, राइट? है कि नहीं है? Yes. हम किसी और प्लैनेट पर रह ही नहीं सकते। यहाँ से एटमॉस्फेयर से बाहर निकले, एक सेकंड में हम फिनिश, राइट? तो बोलो, ये पृथ्वी हमारा घर है। उस घर में यीशु आया, राइट? बोलो, मुझे बचाने, हम सबको बचाने, राइट? आज हम वचन से सीखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह किसी घर में या किसी के जीवन में आता है तो क्या होता है, राइट? ढंढण है, समझ रहे हो? कुछ बड़ा हुआ ना? यीशु ऐसे ही तो या आया और चला गया? कुछ तो कहानी थी ना, और ब्लॉकबस्टर मूवी थी, है ना? शैतान को हराया, हम सबको बचाया, हम हॉस्टेजेस थे, राइट? हीरो जैसी एंट्री की, गुंडे उसके पीछे लगे हुए थे जब से पैदा हुआ, बच्चों को मारा गया था ना उसके जन्म पे, और उसने एक बड़ी योजना को पूरा किया। हीरो था, चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए, छुटकारे किए, शिक्षाएं दी, पानी पे चला, आंधी तूफान को शांत किया, है ना? हीरो, सुपर पावर, राइट? चेले बनाए, चुना, उनको अधिकार दिए, राइट? बहुत कुछ हुआ, और अंत में वो सूली पर बलिदान हुआ। एंड शैतान वाला लाइक हैप्पी हो गया, मैंने उसे मार दिया, ख़त्म हो गया। पर नहीं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये भी एक ब्लॉकबस्टर एंट्री, मस्त ठक, कितना था, सरप्राइजिंग था ना? जैसे फिल्म में सरप्राइज होता, हीरो मर जाता है तो हमको मज़ा ही नहीं था, हीरो कैसे मर सकता है, राइट? होता है ना? फिर दिखाते हैं ऐसे हुआ था, पीछे से भाग गया था, जिंदा हुआ, गोली लगी थी पर निकल आया, राइट? समथिंग लाइक दैट। उन्होंने लगा फिल्म फिनिश, पर वो मुर्दों में से जी उठा, फिर शिक्षा दी, फिर स्वर्ग पे जिंदा उठा लिया गया, प्रॉमिस करके गया, पवित्र आत्मा आया, फिर पवित्र आत्मा की एंट्री हुई, राइट? समथिंग वंडरफुल हैपेंड। तो आज हम देखेंगे, जब उस संसार में यीशु आया तो इतना सब कुछ हुआ, राइट? तो जब वही यीशु हमारे घर में आता है, जीवन में आता है, तो क्या होता है, राइट? सुनने के लिए तैयार है? एक्साइटेड? तो बोलते हैं ना, अपनी सीट की बेल्ट को बांध के रखें, तो हम उड़ान भरने वाले हैं। आज हम वचन से ही देखेंगे। बाइबल से मेरा ध्यान गया है, लूका के अंदर ऐसे काफ़ी जगह था यीशु किसी किसी के घर में गया, वहाँ पे क्या क्या हुए, क्योंकि सबके घर में गया तो सब एक सरी की चीज़ें नहीं हुई, है ना? आप इंटरेस्टेड हैं? और कभी कभी कैसे होता है ना कि कोई एक अच्छा व्यक्ति आता है, अधिकारी आता है किसी के घर में, तो पड़ोसियों के कान खुले हो जाते हैं, या मोहल्ले में जब गाड़ी एंटर होती है तो लोग बच्चे पीछे भागते हैं, अरे हीरो आया, हीरो आया, राइट? तो आज वो आपके घर में आएंगे, यीशु मसीह, और आ चुके हैं किसी के घरों में, हालेलुया। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपके लिए वो एक अच्छाई की बात नहीं है, पर आपके घर में आने से हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए, क्योंकि बाइबल में ऐसी चीज़ें हुई हैं। आज हम उन सारी घटनाओं को देखेंगे, 7 घटनाएं देखेंगे जब यीशु किसी के घर में गया, समझ रहे हो? एक्साइटेड? आपने वचन पढ़े हुए हैं,
पर आज हम एक अच्छी दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। मुझे जल्दी जल्दी से इन बातों को वचनों को दिया है प्रभु ने, पर मैं जानता हूँ भले मैं तैयार नहीं हूँ, परंतु पवित्र आत्मा उन शब्दों को उन कार्यों को करेगा, क्योंकि मुझसे बेहतर वो आपको जानता है और मुझसे बढ़कर आपको उसकी चिंता है। हालेलुया हालेलुया। और मुझे बताओ, अगर यीशु आपको पर्सनली आकर कहे बेटी और मेरे बेटे आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, हालेलुया, कितनी एक्साइटमेंट हो जाएगी। आप छुट्टी ले लोगे, आप किधर नौकरी करते होगे ना, बोला बॉस छुट्टी, कल छुट्टी, कल यीशु आने वाला है मेरे घर पे, राइट। आप भागोगे, सेवा होगी, जो भी होगी, सब अपॉइंटमेंट कैंसिल, क्योंकि मुझे आज यीशु को अपने घर में लाना है, उसने खुद कहा है। और यहाँ पे देखेंगे किस किस जगह पे यीशु खुद उनके घर में गया, किसी किसी जगह पे उसको इनवाइट किया गया, पर दोनों जगह पे कुछ तो अद्भुत काम हुए, उन चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ हम अपने हृदय में, क्योंकि हम सबकी इच्छा है कि यीशु हमारे घर में रहे, हमारे जीवन में है कि नहीं है, और वहाँ पे जो कार्य हुए आप अपने जीवन से जोड़ना। आज आप बीमार हो, आज आपको कर्जों से बंधनों से छुटकारा चाहिए, आप निराश हो, आपको कुछ उम्मीद खुशी चाहिए, राइट। हालेलुया, आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, आप दुनिया के नज़र में एक बुरे व्यक्ति हो, आपको जब समाज देखता है तो आपके ऊपर लांछन लगाता है, उंगली उठाता है, बुरा भला कहता है, पर फिर भी आपके घर में यीशु आना चाहता है, राइट। तो उस समय क्या हुआ, समझ रहे हो। तो आज जो भी हम वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे उन घरों में परमेश्वर ने उन दास दासियों को, जिनको घर में वो गया, वहाँ पे उनको जो शब्द बोले गए, आपको वो सुख उन शब्दों को अपने जीवन में लागू करना है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसे जैसे समझो कोई पोर्शन हमने पढ़ा, तो मुझे एज अ सनी ये लेना है कि यीशु अगर किसी व्यक्ति को बोल रहा है वो, तो मुझे बोल रहा है, समझ रहे हो। हो सकता है आप सब कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो, जो हम साथ जो पोर्शंस पढ़ेंगे सब नहीं, पर जो पोर्शन आपको लागू है ना, मैं आज विश्वास करता हूँ आप अपनी ओन बोलते हैं ना बंद चालतों की है ना चाबियाँ लेके जाओगे, और आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो गवाही के साथ आओगे। आमेन आमेन। तो आइए फर्स्ट पोर्शन को खोलते हैं, हम पहले पहले देखते हैं लूका 4 अध्याय। हालेलुया। यीशु पतरस के घर जाता है, उसका चेला नया नया है। 4 अध्याय हम देखेंगे, 38 और 39। प्रेज द लॉर्ड। लूका 4:38-39, पेज नंबर 89। वह आराधनालय में से उठकर शैमोन के घर में गया। शैमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। आमीन। यहाँ पे काम होता है, पतरस नया नया चेला बना है, मच्छी पकड़ रहा था और प्रभु ने उसको मच्छी नहीं मिली, यीशु उसकी नाव में आता है, प्रचार करता है, हालेलुया, और अंत में देखता है, क्योंकि उसने उसको इतनी देर सेवा करने के लिए अपनी बोट दी थी, तो यीशु उसकी बात को जानता है कि इसने कुछ मच्छी नहीं पकड़ी, क्योंकि वो सुबह सुबह जाल धो रहे थे, तो उसको अंत में कहा कि जा जाल दाहिनी ओर डाल, और उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। जब मछलियाँ पकड़ ली तो पतरस के मन में एक बात आती है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे दूर चला जा, तो बोलता है नहीं, प्रभु कहता है कि आज से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, और उस दिन से फिर यीशु उसके वो यीशु के साथ साथ चलता है, अभी चेला है। और पहली बार ऐसा होता है कि यीशु उस अपने चेले के घर में, लिखा वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया, और पहला पहला काम करता है वो उसे अपने घर लेकर आता है। और पतरस एक अच्छा व्यक्ति है, मुझे बताओ किसकी सास किसके घर में रहती है, दामाद के घर में नहीं, पर यहाँ पे है, हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है कि उसको सास को संभालने वाला कोई नहीं होगा, या विधवा होगी और उसको अपने घर में रख रहा है, तो एक अच्छा व्यक्ति है। और वो सास है ना बीमार हो गई है, उसको बुखार है बहुत कड़क, और वहाँ के जो उसके दो मित्र थे वो यीशु से विनती करते, प्लीज़ प्रभु थोड़ा इसको देख लेना, तो लिखा है और यीशु ज्वर को डांटता है और लिखता है वो तुरंत चंगी हो गई, समझ रहे हो।
क्योंकि वो बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्ग व्यक्ति जब बीमार होता है ना तो बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, है ना। लोग उसको एक कोने में पड़ के रख देते हैं, आराम कीजिए अम्मा, सब आपको मिलेगा। आजकल का ज़माना नहीं है भाई, इसी सदी तब सब कुछ बहू बेटे सब ध्यान रखते थे, पर उसका कारण था कि उसको चंगा होना था। वो चंगी हो गई और इतनी एक्साइट हो गई कि लिखा है सबको छोड़ के यीशु की सेवा टहल करने लगी। और आपको मैं बता दूं, यीशु जब जब जाते थे ना या कहीं पे भी रहते थे ना, एक बात होती थी, यीशु के पीछे ना बहुत भीड़ लगी हुई रहती थी। तो ऐसा नहीं कि आपको यीशु को सिर्फ सर्व करना है, यीशु के साथ उसके चेले जो भीड़ आई, क्योंकि आपके घर में कोई आ जाए तो आप ऐसे थोड़ी कि एक ही व्यक्ति को जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसको ही चाय दोगे, आपको सबको चाय पिलानी है, समझ रहे हो। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसको चंगाई की अपेक्षा है, प्रभु उसके घर में आता है। यीशु की सास ने उसको रिक्वेस्ट नहीं की, उसके चेलों ने, जो पतरस के मित्र थे, उसको बोला प्रभु देखना बेचारी बहुत बीमार है, राइट। और यीशु उसे चंगा करता है और लिखा है वो सेवा टहल करने लगी। तो आज जो मेरी बहनें या मेरे भाई बीमार हैं, आज पहला काम यीशु आपके घर में जीवन में आकर आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। और हो सकता है ये जो विनती है आपकी माँ ने की हो, आपके पिता ने की हो, आपके भाई ने की हो, किसी प्रभु के दास ने की हो, और यीशु ने उस विनती को सुन लिया है। हालेलुया। आपने वो विनती नहीं की है, आज भी आप अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को छुपा के बैठे हो, अरे पता कैसे चलेगा, नहीं मुझे तो काम करना है, मुझे तो जॉब करना है, राइट। होते हैं ऐसे लोग जो अपनी पीड़ा को बताते हैं, छुपाते हैं, बताते नहीं छुपाते हैं, पर ये उस बात को, उस दर्द को आपके घर वाले, आपके मित्र हैं, आपके कलीसिया वाले देखे हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि प्रभु मेरी बहन है ना बहुत परेशान है, बहुत दुख में है, निराशा में है, बताती नहीं है, पर ये है, राइट। इसको अपने बच्चे का बोझ है, राइट, प्रभु प्लीज़ कुछ करना, राइट। और आज आप प्रभु के घर में आए हो, राइट, तो प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है एंड ही इज़ देयर, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। और यीशु आ रहा है आज, वो बीमारी को डांट रहा है कि तेरा बीमारी, मेरी इस बेटी और मेरे इस बेटे के जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं, हे ज्वर, हे बुखार, हे कैंसर, हे ब्लड प्रेशर की तकलीफ, हे शुगर की तकलीफ, हे डिप्रेशन की तकलीफ, जो कुछ भी है, जिस भी नाम को आप जानते हो, आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ निकल इसके जीवन से। हालेलुया। और उसी क्षण आप चंगे हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप चंगे हो गए, तो आपको काम करना है जैसे पतरस की सांस ने किया, उठकर उसकी सेवा करनी है। क्या आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, दुआ करो। हम हर एक साथ पोषण के बाद जो भी हमने सीखा उसका अपने जीवन में कन्फेस करेंगे और उस बात को अपने जीवन में लाएंगे। आप बच्चे हो, जवान हो, बहन हो, भाई हो, बुज़ुर्ग हो, आपको यीशु से बात करनी है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू आज मेरे जीवन में आया है, मेरे शरीर की पीड़ा से, मेरी इस प्राणों और आत्माओं की पीड़ा से, मेरे परिवार की पीड़ा से तू आज मुझे छुटकारा देने जा रहा है। आज इस बुखार को, इस कैंसर को, इस ब्लड प्रेशर को, इस शुगर को, इस डिप्रेशन को, इस डर को मैं फिर कभी नहीं देखूँगा, इस घुटनों के दर्द को, इस पीठ के दर्द को, इस गर्दन के दर्द को, इस हड्डियों की समस्या को, इस हैवीनेस को, इस एसिडिटी को मैं फिर से नहीं देखूंगा। हार्मोनल चेंजेस जो आपके जीवन में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बहुत कुछ ऐसा है जो आप अनुभव कर रहे हो, चाहे जो ऑनलाइन देखने वाले हैं इस मीटिंग को या देख रहे हैं, आप जो अपने घर पे बैठे हो, जो भी चीज़ें, यीशु स्वयं आकर उस बीमारी को डांट रहा है। आज से वो बीमारी, वो गंदगी, वो परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। जैसे पतरस की साथ तुरंत चंगी हुई और यीशु उसके साथ उसके घर में था, वो खड़ी हुई उसकी सेवा टहल करने लगी, आज से वो दर्द, वो पीड़ा आपको तंग नहीं करेगा,
आज से आप लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, अपनी गवाही बताओगे और यीशु के पीछे होगे, उसकी सेवा करोगे। आमेन 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 हालेलुया प्रेज गॉड। एक और देखते हैं लूका का 5 अध्याय उसका 17 से 26 तक। लूका 5:17-26 पेज नंबर 90। लकवा के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। Amen. उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेली हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आमीन आमीन। बहुत कुछ हो रहा है इस घर में। आमीन। यहाँ पे व्यक्ति के घर की व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर एक जगह पे प्रभु उपदेश कर रहा था लिखा हुआ है। वहाँ पे फरीसी, शास्त्री, यरूशलेम और आसपास के गांवों से एक बड़ी भीड़ उस घर में आके इकट्ठा हो गई। और जब यीशु आता है ना, यहाँ पे 3-4 चीज़ें अलग अलग दिखा रहा है कि ये होता है, राइट। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पहले किसी घर में आता है तो यीशु शिक्षा देता है अपने वचन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चंगे हो जाओ, उसकी सेवा करो, पर आपको उस घर में प्रभु से सीखना भी है। हालेलुया। हम उसके पवित्र भवन में सीख रहे हैं ना, तो व्यक्तिगत घर में भी प्रभु से सीखना है। बोलोगे प्रभु कैसे सिखाएगा? बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, बाइबल स्टडी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको यीशु से अपने घर में सीखना है। जब यीशु सिखा रहा है, अभी यीशु का इंटेंशन था वहाँ पे सिखा रहा था और फरीसी शास्त्री भी बैठे हुए थे, पर जैसे वहाँ पे कुछ है ना, एक लोगों को बात पता चली, अरे यीशु घर में ना आया है। और वहाँ पे उस गांव में एक लकवे का रोगी था, पैरालाइज्ड मैन, जो खुद ही यीशु के पास जा नहीं सकता और न ही निवेदन कर सकता है, पर प्रभु ने उसने उसको 4 अच्छे मित्र दिए। जैसे ही उनको पता चला यीशु आया है, बोला खाट पे बिठाओ, लिया उसको, डाला खाट पे, चारों कंधों पे लेके घर खाड़ कर पहुँचे। अब मैंने जैसे बताया कि जब यीशु घर में आता है तो भीड़ उसके साथ होती है, अब उसी भीड़ की वजह से वो यीशु तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हम विश्वासियों से भी होता है, जैसे पिछले समय में ना पास्टर मामा ने बताया ना, ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक में हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो अगर भीड़ आ जाए, और यहाँ पे क्या था उस दोस्त को, क्या था कि ये ठीक हो जाए, यीशु इसे ठीक कर सकता है, पर यीशु के सामने उसको पहुंचाना पड़ेगा, भीड़ के कारण अंदर नहीं जा पा रहे, ना चिल्ला पा रहे, ना आवाज़ जा पा रही कि बाहर कोई वेट कर रहा है अपनी चंगाई का, या कोई लोग मिलने आए हैं, नहीं पहुँच पा रहा है। पर इनके अंदर एक विश्वास की एक बात थी, एक भरपूरी थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तरीका नहीं ना, भीड़ को तो नहीं हटा सकते ना, राइट, इस व्यक्ति को कैसे वहाँ तक पहुँचाएं। सीधा गए छत पे,
बोलो कितना रिस्क लिया होगा। और लकवे का रोग ये ना बड़ों को बात नहीं कर पाता है, पर उसको टेंशन होता होगा यार तुम कर क्या रहे हो, ऐसे ही उठा के घर पे खाट पे डाल दिया और ऐसे दौड़ते दौड़ते तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो। तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं रखा होगा, उसको बांध के तो रखा होगा इतना मुझे पता है, क्योंकि उससे बढ़कर वो एक्साइटेड थे जो उसको लेकर आए थे। और उन्होंने ना आओ ना देखा ना ताओ देखा, सीधा छत पे चढ़ गए। और मुझे बताओ छत पे खाट चढ़ाना ईजी है, डेयरिंग भी चाहिए विश्वास भी चाहिए। पैरालाइज मैन है, अगर किसी के भी गलती के कारण वो गिरा तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, पर फिर भी ये वहाँ पे बैठा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि वो उनको बोल रहा था अरे यार मेरे साथ क्या कर रहे हो, वो भी एक विश्वास के साथ चलो मेरे दोस्त लेकर जा रहे हैं ना आई एम रेडी। छत पे उठा रहे हैं ना, छत पे ऐसे खाट ऐसे थोड़ी उठाई होगी, आड़ा टेढ़ा सीढ़ी पे जब हम चलते हैं कैसी हालत होगी, उसको डर लग रहा होगा भाई मेरी हालत ख़राब है मैं चल नहीं पा रहा हूँ उठ नहीं पा रहा हूँ, तो कर क्या रहे हो तुम लोग सीधा छत पे। वहाँ पे लिखा हुआ है जिस घर में वो गया था उनकी छत ही उधर डाली उन्होंने, जिस रूम में वो बैठा था लिखा है सीढ़ियों से सीधा यीशु के सामने पहुँचा दिया। वो बोल रहा होगा कर क्या रहे हो तुम लोग यार, लेके आए वही फेंक रहे हो नीचे। लिखा हुआ है यीशु भले ही प्रीचिंग कर रहा था, लिखा है उनके विश्वास को देखकर उसने उस व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु प्रॉब्लम को जानता है। ऐसे नहीं कि वो ढकेगा, ही नोज़ द रूट कॉज ऑफ योर सिकनेस, वो तुम्हारे बीमारी के पीछे के कारण को जानता है कि वो बीमारी पाप की वजह से तुम्हारे जीवन में आई है। हालेलुया, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर आप सबसे बातें कर रहा है राइट। आप सोच रहे हो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, किस कारण की वजह से आज तक मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ, किस कारण की वजह से आज तक मैं दुष्ट आत्माओं के बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, किस कारण की वजह से आज भी मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं समस्याएं हैं, हालेलुया पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पड़ा है, मेरे बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं राइट। गॉड विल टॉक टू यू इन पोर्शन से, आपसे बातें करेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आपके सामने रखेगा। हालेलुया, एंड ही वॉज नॉट अवेयर, उसको चंगा होना है नहीं होना है नहीं पता, पर इसके दोस्तों की वजह से इसकी लॉटरी लग रही है। हालेलुया, ना उन्होंने निवेदन किया प्रभु उसको चंगा करे पैरालाइज है ये, बस पहुँचा दिया। तो यीशु ने उस व्यक्ति को देखकर कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर घर में है, ये दूसरा है घर में है। और पास्टर जी हमेशा बोलते हैं बेचारा यीशु आया चंगाई की मीटिंग हो गई, पर जिसकी छत उधर गई उसको तो टेंशन है यार यीशु आया मेरी छत गई है ना। ऐसा हो सकता है आपके घर में, हो सकता है कॉटेज मीटिंग्स हो रही हों है ना, हमारे कलीसिया में काफ़ी बहनों के घर में कॉटेज मीटिंग होती है, वहाँ के कभी कभी आड़े तेरे लोग भी आ जाते हैं है ना, कुछ नुकसान करके भी आप चाय पिलाते हो ये करते हो वचन सुनाते हो प्रार्थनाएं करते हो, पर फिर भी आपका ही सत्यानाश करके जाते हैं आपका नुकसान करके जाते हैं। कभी कोई बच्चे लेके आते तो गिलास विलास सब तोड़ के चले जाते हैं, प्रभु ये चाय वहाँ प्रार्थना नहीं कराए पर नुकसान मुंझो तो थे, पर वहाँ पर बड़ा काम हुआ प्रभु का, बहुत बड़ा काम हुआ। और दूसरा चीज़ दिख रहे हैं कि यहाँ पे चंगाई हुई है एक व्यक्ति को, लकवे के रोगी को चंगाई मिली है। फरीसियों शास्त्रियों को इस चमत्कार से कुछ नहीं पड़ा, पर लिखा है वो अपने मन में विवाद कर रहे थे ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर को शोर कौन पापों को क्षमा कर सकता है राइट। ही दे आर आस्किंग क्वेश्चन, परमेश्वर को छोर पापों की क्षमा नहीं कर सकता, पर अगर ये लकवे का रोगी पापों की वजह से बीमार है और वो खड़ा हो रहा है मींस इसके पाप क्षमा हो गए, तो मींस आपके बीच में जो खड़ा है वही परमेश्वर है, क्योंकि आपने अपने मुख से कहा परमेश्वर को छोड़ कोई पापों को क्षमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसे मेरे जवान भाई बहन या इवन बुजुर्ग जिन्होंने गंदे काम अपने जीवन में किए हैं या पहले किए थे, हम जानते मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी कोई शुद्ध नहीं था, मुझे परमेश्वर ने व्यभिचार से और गंदगियों से निकाला है मैं जानता हूँ। इवन विश्वास में आने के बाद भी हमारे जीवन में गलतियाँ हो रही हैं, हो सकता है हमारी दृष्टि सही नहीं हो, हमारे शब्द सही नहीं हो, हमारे कार्य सही नहीं हो राइट। पर परमेश्वर कह रहा है तेरे पाप क्षमा हुए, बोलो तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु कह रहा है हे सनी तेरे पाप क्षमा हुए, उठ खड़ा हो अपनी खाट उठा
और चल फिर। ये गवाही है, बीमारी अधूरी नहीं कि मेरे पाप क्षमा हो गए, ठीक है पाप क्षमा हो गए, डन, इट्स डन। पर उसका असर जो बीमारी का कारण है, जो रूट कॉज, जो पैरालिसिस मुझे हुआ है, वही मेरी बीमारी के कारण हुआ है। अब मेरी बीमारी गई, मुझे उस पैरालिसिस से छुटकारा मिला, तो जब मैं खड़ा होऊंगा, दौड़ूंगा, चलूंगा, ये गवाही को दिखाएगा कि वो प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल चुकी है। क्यों होता है? जब मैं व्यभिचार में से निकला था ना, जब मेरी सोच और मेरा देखना गंदा था और मेरे कार्य गंदे थे, तो मुझे हमेशा कलीसिया में आके डाउट होता था, क्या ये सच में मेरे अंदर से प्रॉब्लम निकली है? समझ रहे हो ना, मैं किसी बहन के लिए जब सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ, जो मैं पहले कहता, ऐसा तो नहीं मैं कल से फिर इस बात को कर लूँगा, मुझे कंफर्म कैसे हो? परमेश्वर जब देता है ना छुटकारा, तो दैट यू ओनली नोस, राइट? आप जब डिप्रेशन में थे, आप जब शुगर की तकलीफ से जूझ रहे हो, जब आपके जीवन में जो भी समस्या है, कैंसर है, एक कैंसर के व्यक्ति का कैंसर निकल जाए तो उसके अपने शरीर में बदलाव समझ में आता है कि कैंसर के समय मुझे क्या पीड़ा थी, अब निकल गया तो मैं मुझे कितना रिलीफ मिल रहा है, राइट? समझ रहे हो आप इस बात को? तो परमेश्वर यहाँ पे जब घर में आया है ना, तो वो आपको चंगा करना चाहता है, चंगाई उस पापों की क्षमा के द्वारा जो आपने अपने जीवन में किए हैं, चाहे वो बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने रिश्तों में, परमेश्वर की सेविकाई में, जो कुछ भी आपने किया है, गॉड नोज। उसने व्यक्ति ने नहीं बताया, उसके दोस्तों ने नहीं बताया, किसी को नहीं पता था, बट गॉड नोज कि आज मेरा बेटा विजय मेरे पास आया है, परेश मेरे पास आया है, जिमी मेरे पास आया है, मेरी बहन पूजा मेरे पास आई है, महिमा मेरे पास आई है, जो कोई व्यक्ति आप अपना नाम रखो, इसके जीवन में आज जो ये सफ़र कर रही है किस कारण की वजह से, एंड गॉड इज टेलिंग यू नाउ इन योर ईयर्स कि तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आज उस गिल्ट से आप आज़ाद हो, उस बीमारी का आज से आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, बिकॉज दैट फॉरगिवनेस इज फ्रॉम गॉड इटसेल्फ। आपके पति ने आपको क्षमा नहीं किया, आपके माँ बाप ने आपको क्षमा नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको क्षमा नहीं किया, समाज ने आपको क्षमा नहीं किया, गवर्नमेंट ने आपको क्षमा नहीं किया, बट गॉड हैज फॉरगिवन यू। हालेलुया। आनंद भाई की गवाही याद आती है, जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, उनके ऊपर शायद कुछ धाराएं लगी हुई थी, कुछ केसेस लगे हुए थे, वो खारिज नहीं हुए थे जब तक प्रभु उन्हें करता, पर उससे पहले उनके जीवन में छुटकारा आ चुका था, वो एक्सेप्टेंस आ चुका था, वो क्षमा परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में पहुंच चुकी थी। मेरे जीवन में हो चुका है। आप में से जो कोई यहाँ पे बैठे, जो इस गंदे जीवन से निकल चुके, आप इस बात को समझ सकते हो कि आप कैसे आए थे, किन परिस्थितियों में, और जब समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने आपको कैसे गले लगाया। हालेलुया। मैं ऐसे जब मैं नया नया था, आज 15-17 सालों में, आज वो बहनें हमारे साथ नहीं, कहीं और शहरों में वो बस गई हैं, उन्होंने खुली रीति से कहा था, क्योंकि वो व्यभिचार में थी, वो ऐसा काम करती थी लाइक अ कॉल गर्ल्स टाइप, और वो एक समय पे परमेश्वर ने जब उनके जीवन में छुटकारा लाया ना, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग गॉड, वो वर्शिप करती थी कलीसिया में। समझ रहे हो, परमेश्वर ने उनके जीवन में छुटकारा लाया, वो इज्जत लाई कि ये परमेश्वर की दासी है, ये आराधना करती है। समझ रहे हो, तो वो कितनी आनंद के साथ था। हालेलुया। और लिखा है ना, जैसे ये व्यक्ति अपनी खाट उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए चला गया, राइट? और लोगों ने देखा परमेश्वर की बड़ाई की और डर भी गए कि आज हमने कुछ अनोखी चीज़ देखी है। ये कैसे हुआ? वी डोंट नो। हम बीमार होते हैं तो दवाई देते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, पर हाउ बिकम कि लाइक पापों की क्षमा हो गई एक शब्द के कहने से, और वो सब कुछ डन, और देख रहे हैं वो पैरालिटिक हमारे सामने आए, हमारे सामने ही खड़ा होकर हो रहा है, एक अनोखी भी चीज़ है ना। और लोग और समाज देखेगा, दो प्रकार के लोग होंगे, एक देखकर क्वेश्चन करेंगे, एक देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। समझ रहे हो, दोनों प्रकार के लोग उस घर में मौजूद थे। हो सकता है वो आपके परिवार के सदस्य होंगे, मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे, दे बोथ विल सी द मिरेकल ऑफ गॉड, द डिलीवरेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, बोथ विल सी, दोनों देखेंगे कि इस मेरी बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में आज क्या काम हुआ है। आज तक ये ऐसा था, ये बिगड़ा हुआ था, इसका शरीर सत्यानाश था, पर ये कैसे उठा है, राइट? एक लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हुए जाएंगे आपकी उस गवाही के द्वारा, जब आप खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करोगे, अपनी खाट उठाकर चलोगे फिरोगे, दूसरे डाउट करेंगे ये कौन है, ये इसको कैसे माफ़ कर सकता है, ऐसा कोई कर सकता है क्या?
तो यीशु ने क्या कर सकता नहीं, हो चुका है। हालेलुया। सन्नी को माफ़ी मिल चुकी है, इस बहन को माफ़ी मिल चुकी है, ये बीमारी इसको छोड़ चुकी है। ये खड़ी होगी, अपनी खाट उठाएगी, चलेगी फिरेगी, लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो लोगों, बोलो लोग, मेरे जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखकर, जो उसने मेरे जीवन में किया है, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरा जीवन इस लायक नहीं था, पर प्रभु ने इसे बनाया। ऐसी दृष्टि, ऐसी दया की दृष्टि उसने मेरे जीवन पे की है कि मुझ जैसे पापी को उसने क्षमा किया और मुझे बल दिया कि मैं खड़े होकर उसके नाम की महिमा कर सकूं। आज से मैं उसकी महिमा करूंगा, उसकी बढ़ाई करूंगा। लोग मेरे जीवन की गवाही को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, इस बात की घोषणा मैं करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। यीशु के घर में आने से पाप क्षमा हुए, चंगाई हुई, परमेश्वर की बढ़ाई हुई। भीड़ तो थी पर बोलो नुकसान भी हुआ शत का। बोलो मैं इस नुकसान की परवाह नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मेरे घर में आकर कोई चंगा हुआ। बोलो मैं धन्यवाद करूंगा मेरे घर में आकर कोई चंगा हुआ। हालेलुया। हम है ना, जब कहीं पे किसी घर में जाते हैं ना, बोलते हैं इस घर का कल्याण हो, धन्यवाद हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस घर में आने वाला और जाने वाला आशीष पा कर जाए, राइट, एक पीस पा कर जाए। बिकॉज लोगों के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे बता, आपकी जो पड़ोसन है आती है कि नहीं आती है आपके घर पे? अपनी समस्या लेकर आती है ना, पर आप जब उसे प्रभु का शब्द देते हो कितना कम्फर्ट से भर के जाती है, राइट। हो सकता है उस समय उसी क्षण उसको सोल्यूशन नहीं मिले, पर आज से एक ब्लेसिंग अपने परिवार के लिए ले लो। बोलो मैं आज इस ब्लेसिंग को मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर के लिए लेती हूँ कि आज से मेरे घर में कोई भी विश्वासी या अविश्वासी अपने प्रॉब्लम्स को जब लेकर आएगा तो परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर, अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपनी शांति पाकर जाएगा और मेरे घर से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए जाएगा। आमेन। इट्स अ ब्लेसिंग ना। लोग अपने घर में परेशान रहते हैं पर आपके घर में आकर शांति पाकर जाए, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस घर में यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। एंड जीसस इज फॉर योर हाउस। वो आपके घर में है और उसे अच्छा लगता है घर में लाना। यीशु को खाना भी पसंद है। आज हम देखते हैं खाना खाने भी आता है क्या यीशु, कैसे वो आके प्रवचन करके चला जाता है, राइट। आइए हम दूसरे पोर्शन को देखते हैं, इसी पांच अध्याय के अंदर 35 से 43 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लूका 5 का 35 से, एक मिनट सॉरी नहीं, एक सात अध्याय में आएंगे, सात अध्याय में 36 से 50, एक फरीसी के हाउस में वो जब जाता है। लूका 7 अध्याय 36 पेज नंबर 94। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। प्रेज गॉड। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इतर लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इतर मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन,
मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किस महाजन के दो दिनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? शैमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उससे अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शैमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूँ, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इतर मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मस्त वाक्य हुआ है। पहले जो दो वाक्य थे ना, जब पतरस के घर में गया वो, और जो इस लकवे के रोगी जब उस गांव में किसी घर में पहुंचा, वहां पे व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है। इट वाज लाइक जीसस वाज मिनिस्ट्रिंग। वो चलते चलते उसको एक पिट स्टॉप मिला, वहां पे वो गया। यहां पे हम जो फरीसी देख रहे हैं ना, फरीसी और शास्त्री, आपको पता है किस प्रकार के लोग थे। यहां पे वो खुद इन्वाइट करता है यीशु को। और फरीसी और शास्त्रियों का एक तबका था ना, वो यीशु के विरोधी थे। यीशु को न धर्म गुरु मानते थे, न परमेश्वर का पुत्र मानते थे। उसके जिस भी सेवा के कार्य को, चाहे वो कितने भी चमत्कार कर ले, कितनी भी चंगाइयाँ कर ले, कितने भी छुटकारा कर ले, हमेशा डाउट और उसको क्वेश्चन करते थे, राइट? जैसे हम लोगों ने पिछले उदाहरण में देखा कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हालेलुया, ये उनके क्वेश्चन है। जब वो दुष्ट आत्मा को निकालता था, बोलते थे कि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। जब वो चंगाई करता था तो उसके पीछे पड़ जाते थे, ये सबत के दिन पे ऐसा करता है, ये परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, राइट? पर उनमें से एक फरीसी उसको अपने घर में इनवाइट करता है। और यहाँ पे बहुत लिखा है कि वहाँ पे वो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको अभी मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि लिखा है कि जब उस नगर की पापनी स्त्री को पता चला कि वो फरीसी के घर में है, तो वो उत्तर लेकर वहाँ पर पहुँची। ये सेंटेंस क्यों मेंशन किया हुआ है? मैं अपना एक उदाहरण लगा रहा था, एक व्यभिचारिणी स्त्री है जिसको पैसे देकर कोई भी व्यभिचार करता था, हो सकता है फरीसी भी करता हो उसके साथ, कि उसको इतनी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इसके घर में तो जा सकती हूँ। समझ रहे हो? मैं ऐसा उदाहरण, क्योंकि वो उस नगर की पापनी स्त्री थी, राइट? कि फरीसी के घर में जाकर उसको कॉन्फिडेंस कैसे आया? लिखा हुआ है ये जानकर कि इसके घर में आया है, वो इत्र लेकर वहाँ पर पहुँची, एंड विद अ गिफ्ट, नॉट फॉर फरीसी, फॉर जीसस। और पुराने जमाने में ऐसा होता था, एक ट्रेंड था, जैसे इत्र इकट्ठा किया जाता है, इट वॉज प्रेशियस। आपने देखा होगा जब तोड़ा गया तो वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, ये 300 दीनार में क्यों नहीं बेचा गया, है ना? वेस्ट क्यों किया गया? इससे गरीबों को दान दिया जा सकता था। मीन इट वाज लाइक हर ओन अर्निंग, अपने शरीर को बेच बेच कर जो उसने कमाया था उसने उत्तर में, जैसे आज गोल्ड खरीदते हैं ना, अपनी कमाई गोल्ड कर फिर गोल्ड खरीद लेते कि मेरे पड़ा हो, बाद में काम में आएगा, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ता है। सेम उसके लिए इत्र था, उसके जीवन की शरीर को बेचकर जो कमाई थी उसने, वो एक पश्चाताप के साथ यीशु के पास गई थी कि प्रभु मैं अपना जीवन भी तुझे समर्पित करती हूँ, और जो मैंने अपनी पाप की कमाई से कमाया है, इट इज़ ऑल आई एम सरेंडरिंग एंड गिविंग इट टू यू, कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, राइट? विद द एक्सपेक्टेशन कि आज मुझे वो क्षमा मिले, राइट? तो वो जाता है, वो लिखा है वो दौड़ के पहुँचती है। तब ऐसे होता था कि जब किसी के घर में होते थे ना, तो ज़मीन पे बैठ के, चाहे बड़े व्यक्तियों के जो है गद्दे लगाए जाते थे, और ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, वैसे मेज बिछी रहती थी, बीच में सारी खाने की चीज़ें पड़ी रहती थी, और मेन जो अतिथि था वो सेंटर में रहता था, और आसपास में जो भी उसको सर्व करने वाले उसके मित्र वो सब बैठे रहते थे, और ऐसे टेक देख के खाया जाता था। समझ रहे हो? तो यीशु ऐसे
बैठा हुआ था और पीछे की ओर से वो आती है और यीशु ऐसे खा रहा है और उसके पैरों पर बैठ के रो रही है, रो रही है, रो रही है, कुछ नहीं कह रही है, रो रही है, उसके आंसू यीशु के पैरों पर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और जब उसको पता चलता है, रियलाइज़ होता है, यार मेरे आंसू प्रभु के पैरों पर गिर रहे हैं, वो अपने बालों से, कपड़े से नहीं, अपने बालों से उसको आंसुओं को पोंछती है, फिर इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक सेइंग सॉरी, वो उसके पैरों को चूम रही है, समझ रहे हो। और जब ये वाक्या होता है तो जिसने उसको इनवाइट किया है उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज ही इज़ द होस्ट ऑफ द डिनर, राइट, कि ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है, क्या यीशु को ये पता नहीं चल रहा है कि जो छू रही है किस प्रकार की औरत है, एक वेश्या, एक जवान है, क्योंकि यीशु 30-31 साल के जब सेविकाई में थे और उसको वेश्या छू रही है, एक वेश्या एक जवान व्यक्ति को छू है जो शादीशुदा नहीं है, तो उसके मन में किस प्रकार के फीलिंग्स, थॉट्स आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उसी थॉट्स को लेकर फरीसी वो थॉट्स यीशु के ऊपर इम्पोज कर रहा है, क्या इसको पता नहीं चल रहा है कि इसको जो छू रही, टच कर रही, कौन है, समझ रहे हो। अल्टीमेटली वो तो उसकी जजमेंट तो कर ही रहा है, पर ही इज़ ऑल्सो क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड द, बोलते हैं ना, वो नेचर ऑफ जीसस, कि वो अलाउ कैसे कर रहा है, समझ रहे हो। पापनी स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, आपको कोई छुए, भले आप उसके साथ रात को व्यभिचार कर रहे, पर सुबह तो आपको दिखाना है ना मैं वाइट कॉलर हूँ, राइट, हाउ यू आर अलोइंग एक पापनी स्त्री को, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, राइट, ये कैसे उसे छूने दे रहा है, कैसे पता नहीं चले, छू रही है, चूम रही है, छी 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 छी, समझ रहे हो। दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, बींग द होस्ट ऑफ द डिनर, उसने खुद इन्वाइट किया है एक रेस्पेक्ट के द्वारा, पर उसको बोल रहा है कि मेरा जिसको मैंने मंगाया है ना, गंदा व्यक्ति है, ये स्त्री है ही है वे बिचारनी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जीसस को इन्वाइट किया, आपने सब ने कहा कि मेरे घर में यीशु आए, मेरे जीवन में आए, समटाइम्स सम थिंग्स विल हैपन, जब वो आपके घर में आएगा, आप यीशु के लिए और जो व्यक्ति उसके साथ आ रहे हैं आपके घर में, चंगाई कुछ भी पाके, इवन जिनके घर में कॉटेज मीटिंग्स होती हैं, आप यीशु के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो यीशु से मिलने आ रहे हैं, क्या सोचते हो। हालेलुया, कैसे पता नहीं, ये तो अपने आप को धर्म गुरु कहता है, भविष्यवक्ता कहता है, इसे पता नहीं जो इसे छू रही हो, व्यभिचारिणी स्त्री है, इसे इतना भी पता नहीं चल रहा है, मैं तो देख के उसके काम हो, मुझे तो पता है इस शहर की, इस नगर की व्यभिचारिणी स्त्री है, वेश्या है, यीशु को कैसे पता नहीं चल रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे होता था क्योंकि वेश्याओं का एक पहरावा होता था जिससे आप देख के उनको पता कर सकते हो कि व्यभिचारिणी स्त्री है, समझ रहे हो। उदाहरण के तौर पे आपने पिक्चरें देखी होंगी पुराने ज़माने में, जो रेड लाइट एरियाज होती थी, कोठे ऐसी जो चीज़ें होती थी वहाँ पे, स्त्रियों का पहरावा कैसे होता है, गंदा होता है, उनके कपड़े वैसे होते, इस प्रकार का समझ लो कि कोई भी जान ले देख के कि ये वेश्या है, समझ रहे हो। तो यीशु लिखा है कि उसकी मन की बात, अभी ये फरीसी है ना, अपने मन में बोल रहा है ये सब कुछ कि इसको पता नहीं चल रहा है यीशु ऐसा है, ये व्यभिचारिणी स्त्री है, राइट, अपने गेस्ट के लिए ऐसा सोच रहा है जिसको उसने इनवाइट किया, बड़े आदर से, प्रभु आप मेरे घर में डिनर करने आना ना, यीशु एक्सेप्टेड द डिनर इनवाइट। और यीशु उसको पहले पहले ना एक एग्जांपल देता है कि एक व्यक्ति था, शाहूकार था, उसके दो देनदार थे, दो जनों को उसने कर्जा दिया था, एक को 50 और एक को 500, हाँ, और लिखा है कि दोनों को चुकाने के लिए अमाउंट कुछ नहीं था, पटाने को कुछ नहीं था कि वो वापस उसको रिटर्न दे सके, वो देनदार इतना बड़े दिल वाला था, लिखा उसने दोनों का माफ कर लिया। तो वो पूछता है कि कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा, तो जो फरीसी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है आउट ऑफ द ब्लू, उसके मन में चल रहा है यीशु के लिए और अचानक से एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा है, और एक बड़ी मस्त स्टाइल है, हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। जी प्रभु जी, मन में क्या चल रहा है, ये कौन है, इसे पता नहीं चल रहा है स्त्री कैसे उसको छू रही है, यीशु शादीशुदा नहीं था, ये क्या सोच रहा होगा, हाउ इज अलोइंग उसको पैर पे हाथ लगा रही है, चूम रही है, बाल लगा रही है, समझ रहे हो ना। एक वेश्या अगर किसी व्यक्ति के पास आए, इसे छू भी लेगी ना, तो उसके टच को एक गलत तरीके से देखा जाता है कि वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, राइट, बट ही वॉज आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग गॉड फॉरगिव मी, गॉड फॉरगिव मी, गॉड एक्सेप्ट मी,
मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं, मैं कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही, मैं हूँ एक व्यभिचारिणी सी, बट आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस लाइफ, विल यू एक्सेप्ट मी, विल यू फॉरगिव मी। क्योंकि इससे, क्योंकि लूका ने ना जो अध्याय है ना क्रमानुसार लिखे, इसके पहले भी एक वाक्य हो चुका है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसको पता चला यीशु ऐसा करता है, कैप मम, तो बोलते हैं हाँ प्रभु बोल बोल, तो उसको ये बताया कि बता कौन ज़्यादा प्यार करेगा, तो बोलता है प्रभु मेरी समझ में जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ वो ज़्यादा प्यार करेगा, राइट है, जिसका ज़्यादा माफ़ होगा वो ज़्यादा थैंक यू बोलेगा, सर थैंक यू, किसी के 50,000 माफ़ हो थैंक यू सर, किसी के 50,00,000 माफ़ हो थैंक यू सर लोड उतर गया, आप मुझसे लोगे नहीं 50,00,000 नहीं लोगे, नहीं बेटा जा, ज़्यादा प्यार करेगा, आप उठते जाते जाओगे ना, आप जो चीज़ अपने घर के लिए लेके आओगे ना, आप बोलोगे यार इस व्यक्ति ने मेरे से 50,00,000 नहीं दिया, मैं इसको मिठाई तो दे के आऊँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें दे के जाऊँ, थैंक यू सर, उठते बैठते बोलोगे यार क्या व्यक्ति है, गाड़ी पे से उतर के उसको सलाम करोगे सर थैंक यू सर आप बहुत अच्छे हो, तो उसको उदाहरण देता है, यहूदियों में प्रथा थी जब उसके घर में कोई गेस्ट आता था ना, तो यहूदी लोग हैं ना पहले उसको पैर धोने के लिए पानी देते थे कि मेरे घर में गेस्ट आया, जैसे हम अपने अपने घरों में करते हैं, किसी को कोई पुराने समय में टीका लगाता था, किसी को माला पहनाता था, कोई आरती करता था, राइट, पुराने ज़माने में होता था कि नहीं होता था, अगर नहीं करता तो कितना बुरा लग जाता था, सेणन जो ये न कहूँ, राइट, होता है ना, बेटा आया दूर से नहीं किया, समधी लोग थे ऐसा नहीं किया, ये बहुत होता है आज भी होता है, तो उस प्रकार था, पहले पैर धोने के लिए पानी देते थे किसी भी व्यक्ति को, मीन थर्ड क्लास व्यक्ति भी आया ना, आपको आपके घर में कोई आया ना, आपको पैर धोने के लिए पानी देना है, बिकॉज ही इज़ अ गेस्ट, और आपने खुद इनवाइट किया है, एक बिन बुलाया मेहमान आ जाए तो चिड़ लगती है कि बुलाया भी नहीं आके घर में बैठ गया, पर आपने खुद इन्वाइट किया सर आना मेरे घर पर, आपके लिए डिनर है, सबको बुलाया है, एंड एक काइंड ऑफ था ना, बोला डिसरिस्पेक्ट काइंड ऑफ, एक एक्सट्रीम लेवल का डिसरिस्पेक्ट था, कि जो आप किसी के लिए भी करते हो, आप एक धर्म गुरु को, एक प्रभु के दास को बुला रहे हो, आप उसे पैर धोने के लिए पानी नहीं दे रहे हो, तो बोला तूने पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, पर जब से मैं तेरे घर पे आया हूँ इसने आंसुओं से मेरे पैर धोए हैं, राइट, उसके बाद होता था जब पैर धो चुकता था ना, फिर वो नैपकिन लेके आता था, जो पैर गीले हो गए उसको पोंछ ले, प्रभु साफ कर ले, लिखा इसने बालों से मेरे पैरों को पोंछना नहीं छोड़ा, राइट, फिर होता था कि सिर पर तेल उंडेला जाता था, ऑयल लेके उस अतिथि को, गेस्ट को लगा देते कि यू आर वेलकम, यू आर ऑनर्ड, कि आप मेरे घर में आओ, यू आर वेलकम, जैसे टीका आरती होती थी ना, उस काइंड ऑफ एक तेल, अभिषेक का तेल उंडेला जाता था, लिखा तूने नहीं उतारा, पर इसने उत्तर जो अपने जीवन के पाप की कमाई सारी मुझे दे दी, उंडेल दी, तोड़ दिया, सबसे वैल्यूबल जो उसके पास था ना, जो इतने सालों में उसने कमाया, उसने एक क्षण में मेरे लिए न्योछावर कर दिया, तूने मेरे ऊपर तेल नहीं मला, और लिखा है होता था कि जब गेस्ट आता था ना, हम आते हैं ना वेलकम, हैंडशेक करते हैं ना, आइए आइए, प्लीज़ प्लीज़ आइए, या गले मिलते हैं, हमारा कोई अपना होता है तो कितना गले मिलते हैं, और बच्चे होते हैं या कोई बहनें बहनों के साथ, भाई भाई के साथ गले मिलते, क्या है यार वेलकम, किस करते हैं उसको इधर गाल पे, तो बोलते हैं वो तुझे चूमना चाहिए था, इट्स काइंड ऑफ एन ऑनर, क्योंकि तूने मुझे इनवाइट किया ना, तूने मुझे चुम्बन भी नहीं दिया, और इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, इसके पाप ज़्यादा थे क्षमा हुए, इसलिए वो मेरे को छोड़ नहीं रही है, समझ रहे हो, यीशु घर में आया तो वहाँ पे पापों की क्षमा हो गई, लिखा हुआ है उसने उसको कहा हे पुत्री कुशल से जा, तेरे पाप क्षमा हुए, स्त्री की नज़र से नहीं, बेटी की नज़र से, एक जवान व्यक्ति होके व्यभिचारिणी स्त्री को बोलता है हे बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, कुशल से जा, आमेन, तूने मुझे कुछ नहीं बोला, तूने मुझे इनवाइट नहीं किया मैं अपने घर पर तू आई, इस घर में आई विदाउट किसी की परवाह किए, उसे हो सकता था उसी समय एक काइंड ऑफ उसको पकड़ के पत्थर मारे जाते, उसको निकाला जाता, पर उसने उस बात की परवाह नहीं की, यीशु के चरणों में आई, जो भी उसने किया ये आपके ऊपर है, आप अपनी क्षमा पाने के लिए, जब वो किसी के घर में आता है
हो सकती है, यहाँ पे बहनें हैं मैं जानता हूँ जो कलीसिया नहीं आ पाती हैं, राइट, और आपके आसपास अगर कहीं पे भी कॉटेज मीटिंग हो रही, किसी घरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, हालेलुया, हमारे घर में होती है, 5 नंबर में ज्योति बहन के घर पे होती है, 1 नंबर में, 2 नंबर में या बरखा सिस्टर के घर पे होती है, सिस्टर संपदा के घर पे होती है 1 नंबर में, राइट, नहीं आ पाते हो ना, पति मारता है, लोग अनाप शनाप बोलते हैं, यहाँ पे नहीं जाना, धर्म परिवर्तन होता है, राइट, डिडन उसकी परवाही नहीं की। आपको आज अगर अपनी पाप अपने जीवन में कुछ अच्छाई चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, आप वहाँ पे प्रार्थना अटेंड करने जाओ। लोगों को मत देखो वो आपके ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हैं, फकीर आया हुआ, ऐसी औरत आई, कुछ भी कौन सा भी नाम दे आपको, है ना, आपको उनकी परवाह नहीं करनी, आपको जाना है, बोलो मैं यीशु से मिलने जा रहा हूँ, हालेलुया, और यीशु मन की बातों को पढ़ लेता है, जान लेता है, उसके आंसुओं को समझ गया, उसे पता था ये टच मेरे को अपने व्यभिचार की ओर अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, शी इज़ आस्किंग फॉर अ फॉरगिवनेस, वो रो रही है, सारे बैठे हुओं की नज़रें उसके ऊपर एक गिद्ध की तरह, भेड़ियों की तरह और गंदी नज़रें लगा के बैठे उसकी जजमेंट कर रहे हैं, बट आई विल नॉट डू द जजमेंट, आई विल फॉरगिव, उसका केस फुल एंड फाइनल क्लोज कर दिया और उसको एक बेटी का दर्जा मिला, पापनी स्त्री नहीं, व्यभिचारनी स्त्री नहीं, बोलो बेटी, बोलो मैं प्रभु की बेटी हूँ, बोलो मैं प्रभु का बेटा हूँ, आज मैं सन्नी छाती ठोके कहता हूँ मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मैं इस बात को रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं व्यभिचार से निकला हुआ हूँ, समझ रहे हो, प्रभु एक्सेप्ट करता है, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, गॉड विल एक्सेप्ट जब यीशु घर में आता है, हालेलुया, बोला ना मैंने जैसे कहा कि आपके घर से फिर जो जाएगा वो कुशल से जाएगा, हालेलुया, जब यीशु के टर्म्स पे आप किसी को देखोगे, प्रार्थना रखोगे, किसी को माफ़ करोगे, वो कुशल से आपके घर से जाएगा, जैसे यीशु ने उस घर से कुशल से उसे भेजा, हालेलुया, आई एम नॉट जजिंग यू माई डॉटर, आई एम नॉट जजिंग यू माई सन, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझ पर जजमेंट कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि यीशु खुद कहता है मैं न्याय करने नहीं परंतु बचाने आया हूँ, वही अध्याय हम पढ़ेंगे लूका में 5:27-32, जल्दी पढ़ते हैं, समय कम है, हम लगभग 4th पोर्शन पर आए हैं और 3 पोर्शंस हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे। लूका 5:27, पेज नंबर 90, लेवी का बुलाया जाना। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आप समझ रहे हो उस बात को? हालेलुया, यहाँ पे एक वाक्य होता है, टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला और जो रोमन साम्राज्य की तरफ से नियुक्त किए हुए थे, जो जबरन वसूली करते थे, लगान बोलते हैं ना टैक्स, आप किसी भी सिटी में जाओगे, किसी भी नगर में जाओगे तो वो द्वार पे खड़े रहते थे और बोलते थे, क्या सामान लाए हो, दिखाओ, बिल दिखाओ, इतना है, तो उसके ऊपर टैक्स लेते थे और कभी कभी ज़बरदस्ती लेते थे, दुगना ले लेते थे, तो लोग उनको बहुत कोसते थे कि पापी व्यक्ति हैं, अन्याय से लेते हैं, हालेलुया, तो उनकी शुमारी ऐसी पापियों में थी, कोई उनको रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता था क्योंकि वो सबसे टैक्स लेते थे। तो लिखा हुआ है कि चुंगी लेने वाला लेवी अपनी टैक्स की गद्दी पर बैठा हुआ था, वहाँ से यीशु गुजरता है, उसको देखता है, बोलता है, हे आज मुझे तेरे घर में चलना है, मेरे पीछे हो ले, राइट, लिखा है मेरे पीछे हो ले, तो यहाँ पे खाना नहीं है बोल रहा है, मेरे पीछे हो ले बोल रहा है, लिखा है वो उसी समय सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया, क्योंकि यीशु की चर्चा काफ़ी जगह फैली हुई थी और टैक्स कलेक्टर को कोई डिसरिस्पेक्ट के साथ बोले कि आजा मेरे पीछे, लाइक कॉलिंग फॉर द मिनिस्ट्री, राइट, एक
बुरे व्यक्ति को यीशु कर, आजा मेरी सेवा कर, आजा मेरे साथ, आज से मेरे साथ चल, राइट लिखा है उसने सब कुछ छोड़ दिया। और लिखा है इस ऑनर में, इस जेस्चर को दिखाने के लिए उस लिखा है उसने यीशु के लिए अपने घर में एक बड़ा बोझ तैयार किया, घोषित किया। लिखा है बहुत सारे लोगों को उसने इन्वाइट किया, जिन लोगों को उसने इन्वाइट किया था लिखा था एक बड़ी भीड़ थी। आज हम जब घर की ओपनिंग करते हैं, दुकान की ओपनिंग करते हैं, घर में बर्थडे होता है, शादी होती है, बच्चा का नामकरण होता है, तो बहुत सारे विश्वासी अपने घर में सारे रिलेटिव को मंगाते हैं, बोलते हैं आज हम प्रार्थना करेंगे, होता है ना, करते हो कि नहीं करते हो? तो इट इज़ सेम लाइक दैट वन। और एक व्यक्ति जिसके बुरे काम हो उनमें से निकल आया हो, लिखा है उसने बोझ रखा, और लिखा है पर वहाँ पे फरीशियों शास्त्री भी थे, वो भी इनवाइटेड थे क्योंकि वो लेवी जो टैक्स कलेक्टर था उसके दोस्त थे। पर उनका हमेशा, मैंने बताया ना कि उनका डाउट रहता था यीशु की मिनिस्ट्री पे, उसके कामों पे। तो लिखा है उसके चेलों से वो क्वेश्चन बोलते हैं कि तुम लोग, तुम्हारा गुरु और तुम लोग पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तो क्या खुद क्या नाचने आए थे क्या? खुद भी तो उनके घर में ही आए थे ना खाने के लिए, समझ रहे हो? दे आर लाइक, समझ रहे हो? कभी कभी ध्यान से पढ़ा करो, दे आर ऑल्सो इन दैट हाउस ना। तो वो टैक्स कलेक्टर तो क्या यीशु के लिए पापी, उनके लिए पापी नहीं है? या तो वो भी खुद भी पापी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो वो क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मीन्स फ्रॉम देयर माउथ दे आर सेइंग वी आर इन्वाइटेड हेयर, वी आर ईटिंग हेयर, वी आर ऑल्सो सिनर्स, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? बींग देम सेल्फ सिनर्स दे आर कॉलिंग देम सेल्फ वाइट कॉलर, और यीशु बुरा है जिसने उनको इन्वाइट किया है, वो बुरा है। अगर तुमको बुरा है तो तुम उसके घर का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आप भी तो वहाँ पे मौजूद हो ना। यीशु सबके साथ खा रहा था, फरीशियों शास्त्रियों के साथ भी खा रहा था, टैक्स कलेक्टर्स के साथ भी खा रहा था, समझ रहे हो? लोग ऐसे हैं, उसी मीटिंग में आएंगे, घर में आके दांगे जंदा था चरया थी भैया उनके घोरा है तो भाई। हालेलुया, आपका खाना भी खाते हैं, आपको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है? हाँ, आपका खाना खा के बोलते हैं क्रिश्चियन दिया थी पैसा मिला था नहीं, आपने घर बाड़े दे रहे दो घर की औरतों तई, हाँ होता है, सामने वैसे ही हो रहा था। वो ये खुश था, यीशु मेरे घर में आया है, उसने मुझे एक्सेप्ट, मुझे पीछे चलने के लिए बोला है, ही लेफ्ट एवरीथिंग। तो यीशु ने वहाँ पे एक बात कही, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। एक बड़ा स्टेटमेंट था, और समझ रहे हो ना, ये स्टेटमेंट है ना पापियों के समाज के लिए, एक बोलते हैं ना एक खुशी वाला, ये जीत गए ऐसे काइंड ऑफ था। ये सिर्फ उस लेवी की घर में जाना नहीं था, इट वॉज एन एक्सेप्टेंस, ओपन डोर्स फॉर ऑल द, जिस नगर में जितने भी पापी लोग थे, जितने भी चुंगी लेने वाले थे, सब खुश हो गए, माना यीशु असा दोस्त थी हो, समझ रहे हो? वहाँ पे जो भी मौजूद थे ना सब हैप्पी थे, यीशु हमारे साथ खा रहे हैं। यस, अगर आपने देखा होगा जब आप घर पे मंगाते हो, जब प्रभु के दास आते हैं तो बीबी से असाए घर भी इंदो प्रार्थना करने से, असाए घर भी चौंदा है नचौंदा है, उनको खुशी मिलती है ना यार, असा के तो लगन होंदो कि मर्सिडीज में इंदा BMW मोकलनी पौंदी, दुनिया के होता है ना जो बाबा लोग होते हैं उनको पहले आपको स्पेशल ऐसी कार भेजनी पड़ेगी, ऐसी रूम लेके देना पड़ेगा, तब वो आपके साथ कुछ खाने पीने या बात करने बैठेंगे। तो घर इंदा हो प्रार्थना कंदा हो? हाँ साईं, सबनी हट इंदा, यीशु सबनी हट वेंदो आ। आनंद भाई सबके पास जाते हैं कि नहीं जाते? आनंद भाई तो जंगल में जाके प्रचार करके आए आसाम में, इनके सामने तो चींटियों की चटनी पेश की गई थी खाने के लिए, बोलते थे हम लोग स्पेशल मेहमानों को ये खिलाते हैं, समझ रहे हो? दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। ये बात फैल गई, उसके बाद ये जो पापनी स्त्री का जो हम लोगों ने पहले पढ़ा ना बोशन, उसके बाद था एक बड़ी स्टेटमेंट थी सारी इज़राइल के अंदर कि यीशु पापियों के साथ खाता है। और एक यीशु का नाम था, बोलते थे ना किसी ने उसको शैतान का भी नाम दिया, एक जगह पर लिखा था पेकड़ पेटू, क्योंकि यीशु को डिनर करना बहुत अच्छा लगता था, किसी के घर में भी इनवाइट करता था जाता था। और एक जगह पे लिखा हुआ है पापियों का दोस्त, उसके नामों में है पेटू पियक्कर
पापियों का मित्र, ये टाइटल यीशु को अच्छे लगते हैं। इतां जी कहाँ के धर्मगुरुओं के तुम नालो डो जूता खड़ी कर वजाई असाई तोहिंदा कर श्राप डेई वो। यीशु ऐसा नहीं था, हम सब पापी हैं। बोलो हम सब पापी हैं। बोलो यीशु मुझे बचाने आया, मैं बीमार हूँ वो चंगा करने आया, मैं पापी हूँ वो क्षमा करने आया। वो खाली उस लेवी के घर में नहीं गया, सबको ऐसे लगा कि यीशु मेरे घर में आया है। हालेलुया, यीशु आएगा आपके घर पे, वो आएगा, इनवाइट हिम। लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में द्वार पे खड़ा मैं खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके घर के भीतर जाऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। धर्मगुरु होते हैं ना, जब घर पे जाते हैं तो उनको परोसा जाते हैं, साईं यो भी खाओ, साईं यो भी खाओ, साईं यो भी खाओ, पान न न साईं ऐसा पानी खाईंदा ता पेड़ो पेड़ो। यीशु बोलता है मेरे साथ बैठ के खाओगे तुम लोग, आप उसको खिलाओगे, यीशु तां खाओ तां भी पूरी खाओ, तां भी दाल खाओ, सीरो पे तो खाओ ना। दैट काइंड ऑफ जीसस लव इज फॉर अस। बोलता है ना मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया हूँ। यीशु की स्टाइल है एक्सेप्टेंस, कि मैं तुम जैसा ही हूँ, मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। चेले समझ ही नहीं पाते थे, आखिर प्रभु भोज के दिन उसने अंगोछा लिया, चेलों के पैर धोए, बोला तुम आज नहीं समझ पा रहे हो, मेरे जाने के बाद तुम समझोगे मैंने आज क्या किया। प्रभु क्यों कर रहा है नहीं समझ पा रहे हो, कल ही पूछ रहे थे हम में से बड़ा कौन। यीशु के जब पता चला कि मुझे पकड़वाने वाले थे, यीशु की मम्मी आ गई, मेरे बेटों को अधिकार, एक तेरे दाहिने एक बाएं बैठे, उनको वही चिंता था सबसे अच्छा पोर्शन मिले हमारे बच्चों को या जो भी था। यीशु बोलता है तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। आखिर लिया, उदाहरण दिया, बाद में समझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यीशु एक्सेप्ट करता है। बोलो यीशु एक्सेप्ट करता है। सिर्फ वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इतने सालों के अंदर हम पता नहीं कितने घरों के अंदर प्रार्थनाएं करने गए हैं, हमारे एल्डर्स भाई सब बैठे हुए हैं, कितनी बहनें गई होंगी विजिटिंग करने, उन्होंने अच्छे से मंगवाया, हमको आदर भी दिया, खिलाया। आज बहुत सारे यीशु में है ही नहीं, आते ही नहीं कलीसिया। यीशु खाना खाना नहीं चाहता, यीशु आपको चाहता है। समझ रहे हो? वो उसके पीछे चलने के लिए कह रहा है। उसका ऐसा नहीं कि मैं इसको बुलाऊंगा तो ये मेरे अपने घर में खाना खिलाएगा। यीशु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन देयर। वो चाहता है कि आपके साथ साथ आपके मित्रों का, आपके परिवार का भी दिल छूले वो। यीशु ने एक को कहा ना मेरे पीछे हो ले, पर उसने सारे दोस्तों को बुला लिया। यीशु मुझे घर तो जी भाई, मुझे घर तो जी वहाँ, क्योंकि उसकी पहचान थी चुंगी लेने वाला है, पापी है। समझ रहे हो? आगे पढ़ते हैं एक और, पांचवा जल्दी से, लूका 19 का 1-10, फटाफट 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे। पेज नंबर 118, लूका 19:1। वह यरियो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, इसलिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा अतः, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे पढ़ो। जी जी। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने बड़े खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। समझ रहे हो, यहाँ पे भी घर में आ रहा है यीशु। पहले तो जकई लिखा है, वो तो एक चुंगी लेने वाला था लेवी, ये तो लिखा है उन चुंगी लेने वालों का सरदार था, बॉस। बोलो बॉस। बॉस के घर में जा रहा है यीशु। लिखा है उसको इंटरेस्ट था यार, वो सुना था बहुत, वो उसने देखा नहीं था यीशु दिखता कैसे है, बहुत क्यूरियस था। पर लिखा था ठिंगना था बहुत, 4 फुट की हाइट थी उसकी, और भीड़ में ऐसे देख भी नहीं पा रहा था। बॉस वो अपने जगह पे, उसको भीड़ आगे जाने ही नहीं दे रही, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। उसने आओ ना देखा, ताओ देखा, एक गुलड़ के पेड़ पे, बड़े पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया कि यीशु आएगा, मैं देख लूँगा यीशु है कौन। क्योंकि उसने एक मेरा जो चेला था, मेरी टीम में था लेवी, उसके घर में खाना खा के आए, मैं देखूँ यार कौन था। शायद उस दिन हो सकता है उसने, बॉस ने वो डिनर मिस किया हो, अब इसकी इच्छा है कि मैं भी इसको डिनर में लेके जाऊं। कह नहीं पा रहा है, बोला है खाली एक जिज्ञासा यीशु को देखने की, राइट। ही इज़ नॉट वांटिंग। हो सकता है अपने लेवी को बोलता है यार तेरे घर पे भी आए ना, मेरे लिए भी इनविटेशन बोल, मेरे घर पे भी आए। ही वॉज नॉट लाइक दैट, ही वॉज लाइक देखूँ यीशु दिखता कैसे है, कैसा वो। मैं बहुत चर्चा सुन रहा हूँ। देखा गुल्लर पे चढ़ गया, अगर वो वहाँ से गिरता तो उसकी हड्डी पसली एक होनी संभव थी। लिखा है यीशु जैसे जा रहा था, बिकॉज गॉड नोज द हार्ट ना, लिखा है उसने दृष्टि की, अरे यार ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये जकई जट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, हालेलुया, अपना नाम लो दादा रिजवानी, आज मुझे तेरे घर में रहना बहुत आवश्यक है। यीशु कह रहा है प्रवीण, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कुमार, मुझे आज तेरे घर में अवश्य है रहना। भाई बेबू, भाई आनंद, मुझे आज घर तेरे घर में रहना आवश्यक है। आप बहनों के लिए जो भी आपके नाम है, इट्स लाइक ए हैप्पी मोमेंट, राइट। आपका नाम भी आ गया तो आप बोले यार सनी को मेरा नाम याद है क्या, जो मुझे दिखे जैसे नाम आए वैसे मेरी बहनों के लिए, मोर देन सनी, जीसस इज कॉलिंग यू, मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैं जानता हूँ तेरे घर में झगड़े चल रहे हैं, मैं जानता हूँ तेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ तेरे लॉसेस चल रहे हैं, मैं जानता हूँ तू परेशान है, तू डर रही है, राइट। आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, जट उतरा। लिखा है वो घर पे गया, भोज दिया, इट वॉज अ जेस्चर, यीशु ने मुझे कहा है। डिनर विनर कुछ है नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, उस जेस्चर को जबकि ही वॉज लाइक फीलिंग लाइक एन ऑनर, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, जिसकी मैंने इतनी चर्चा सुनी, उसने उसके घर में जाके कोई प्रवचन नहीं किया, उसको कोई ब्लेसिंग नहीं दी, उसको कोई चंगाई नहीं दी जकई को, बट ही वॉज लाइक, बस उसके लिए एक इनफ था, यीशु मेरे साथ है, वो यीशु मेरे घर में है, इतना मेरे लिए इनफ है, मेरे लिए इतनी बड़ी ऑनर की बात है कि यीशु मेरे घर में आया, बस दैट इज इनफ। वहाँ पे खड़े होकर कहता है प्रभु, आज मैं आधी संपत्ति अनाथों को देता हूँ, यदि अगर किसी से मुझे टैक्स कलेक्ट करना था ना, मुझे 1 रुपया था मैंने 1 रुपया कर दिया है, पर कभी मैंने जबरदस्ती किसी भी कारण से किसी से 2 रुपया भी खरीदा ना, उसको मैं 4 रुपया करके दे दूंगा। यीशु उस बात को समझ लेता है कि इस बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उसके घर में नफ हूँ। उसने पैसे लिखा है, वो बहुत धनी था, वचन में लिखा है धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊँट कितना बड़ा होता है, और सुई का होल जहाँ से दागा जाता है कितना छोटा होता है। बोलता है ऊँट उस होल में से निकल सकता है, पर धनवान एक परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता है। और ये फर्स्ट मीटिंग में अनाउंस कर देता है, आधी संपत्ति हो गई, आधी में से भी अगर उसने इन केस किसी को लूटा है तो उसका 4 गुना करके दे देगा। लिखा है आज इस घर में सच में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है ना, एक जगह पे यीशु ने कहा उस दिन राज्य की संतान बाहर होगी, परंतु जो वेश्याएं चुंगी लेने वाले होंगे वो अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ भोजन करेंगे। यीशु ने एक जगह पे कहा था, फरीसियों को डांटते समय कहा था उसने, समझ रहे हो, कौन चुंगी लेने वाले, वेश्याएं, उस दिन अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ भोज में बैठेंगे। क्योंकि भोज का दृष्टांत लिखा हुआ है ना, विवाह का बोझ, यीशु मसीह शादी करेगा, कलीसिया उसकी दुल्हन है, एक बोझ दिया जाएगा, राइट, उसके अंदर कुछ गेस्ट इनवाइटेड होंगे,
राज्य की संतान जो यहूदी थे नहीं पर अन्य जाति से हम लोग इन्वाइटेड हैं, अगर हम उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक ऐसा दृष्टांत भी है जहाँ पे इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, बहाने दिए गए, मुझे बैल जोड़ी मिले हैं, मैंने घर लिया है, मैंने शादी की है, आई विल नॉट कम, प्रभु ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया। यहाँ पे भी प्रभु घर में आया, हालेलुया। आपने क्या देखा, जहाँ जहाँ यीशु जाता है वहाँ पे पहले तो बहुत भीड़ होती है, प्रभु वहाँ पे क्षमा करता है, चंगाई करता है, राइट। पापनी स्त्रियों को, चुंगी लेने वालों को क्षमा किया ना, और उस लकवे के रोगी को पापों की क्षमा मिलती है, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, और उनके काम देख के वो खुद व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, लोग भी बड़ाई करते हैं, राइट। एक और दो आखिरी के जल्दी पढ़ेंगे, मरकुस में आएंगे, 5:35-43 में पढ़ेंगे, और फिर लुका लास्ट में 10:38-42। पेज नंबर 59, मरकुस 5:35-35 वचन 43। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पत्रस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, अर्थात जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। यहाँ पे देखा हुआ है कि यहरियो, ये याहिर जो आराधनालय का सरदार था, सिनेगॉग का बॉस, उसकी बेटी बीमार थी, लगभग मरने पर थी। यहाँ पे वाक्य होता है, वो उसके पास जाता है, यीशु के पास। यीशु अपनी मिनिस्ट्री कर रहा है, लिखता है, आता है, दंडवत करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, प्रभु मेरे घर पे चल। वो जाता है, बीच में एक चमत्कार होता है, 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिलती है। इस दौरान थोड़ी लेट हो जाती है, लिखा उसके घर से उसको एक मैसेज आता है, बेटी मर गई है, अभी गुरु को दुख मत दे। लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना किया, याहिर को कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। लिखा है वो उसके घर में आ रहा है, वहाँ पे लोग है ना, लिखा है रो रहे थे, बांसुरी बजाने वाले, बेटी मर गई, हाँ। और लिखा हुआ जैसे वो देखता है ना, एक बड़ा विलाप, हाँ, जैसे मैंने एक्सप्रेशन किया उससे भी बदतर एक्सप्रेशन, रो रहे थे। और लिखा है यीशु कह रहा है, क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं, सो रही कर रहे ऐसे एक्सप्रेशन चेंज, पेट पकड़ पकड़ के बोला, बहुत उसका ठट्ठा करने लगे, एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज, क्योंकि उस समय ऐसा था पैसे देकर रुलवाया जाता था, जैसे बैंड बजाने वाले बैंड बजाते हैं ना पैसे लेके, वैसे रोने वाले होते थे, दुख मनाने वाले। एक रोने वाले ठट्ठा करने लगे यीशु का, पागल हो गया है, बोल रहा है कुछ भी, हम तो रो रहे हैं ऐसे, समझ रहे हो। लिखा है यीशु ने बोला, निकलो बाहर, yes. सब निकलो। याहिर को बोला, सबको बाहर निकाल। सिर्फ 3 चेलों को अपने साथ दिया, yes. गया, उसकी बेटी को मरा हुआ देखा, बोला, तलीता कुमी, हे बेटी मैं कहता हूँ, उठ। हाथ पकड़ा, वो जिंदा हो गई। ऐसे घर, यहाँ पे जो पहले हमने जो भी चीज़ें देखी, वहाँ पे गॉड यीशु वॉज इन्वाइटेड विद द डिनर पार्टी, दोस्त मित्र, राइट, अच्छे समय। यहाँ पे भी दुनिया के अंदर बहुत होते हैं धर्म गुरुओं को, ना साईं दुकान खोलो, साईं घर वरतो, साईं बंगलो, साईं रिजॉर्ट खोलो, राइट, अच्छो। अगर उसको बोलो मर गया मेरा बाप, टाइम नहीं है। यीशु को आप ऐसी परिस्थितियों में भी पुकार सकते हो, जब आपके घर में दुख है, निराशा है, टूटे हुए हैं, परेशानियाँ हैं, कर्जे हैं,
यू कॉल गॉड लॉर्ड कम इन टू माई हाउस. प्रभु मेरे घर में क्यों नहीं आता, मेरे घर में आना, मेरे घर में बहुत दुख है, मेरी बेटी मरने पर है प्रभु, मेरा रिश्ता टूटने पर है, राइट, डिवोर्स की बातें चल रही प्रभु, या जो बच्चा है उसके जीवन में समस्या है प्रभु, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद समय नहीं है, राइट. हमारे कलीसिया में बहुत सारी गवाहियाँ हुई हैं, दिल में शेद है, अबॉर्ट करा लो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें. उन बहनों ने, उन भाइयों ने यीशु को पुकारा और यीशु ने उनके जीवन में ना, डॉक्टर क्या बोल रहा है, रिपोर्ट साइड करो, ये जो तुम्हारे ना पड़ोसी हैं, ससुर साथी जो ही, माइटा छाता जो नहीं, अनबिलीवर छाता जी, साइड करें उनके. अपने दासों के साथ आया, पुकारा, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई. हालेलुया, यीशु आएगा, आपको आवाज देगा, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, पति पत्नी का हो, माँ बाप बच्चों का हो, बिगड़ी परिस्थितियाँ हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो, मिनिस्ट्री की हो, सेविकाई की टूटी परिस्थितियों में जो मरी हुई है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यीशु आवाज़ देगा, उठ खड़ी हो, वहाँ पे यीशु के शब्दों में जीवन है, यीशु के शब्दों में जीवन है, उसके पुकारने से, उसके आपके घर में आने से उसका जीवन आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा. आमेन, ये ताकत रखता है. हालेलुया. और दुख के समय पे भी वो घर में आता है, आप पुकारो. सिर्फ ऐसे नहीं, घर लिया है, दुकान लिया है, लोगों को ऐसे विश्वासियों को बहुत ऑकवर्ड लगता है, पार्टी में मंगाते हैं जब दुख और परिस्थितियाँ होती है ना, विश्वासियों की गवाहियाँ ख़राब होती हैं, न पास्टर इंदो के उन्हें खबर भेजी वेंदो, असां ज़ाल मुड़ुस में झगड़ो आहे, कलीसिया में ॾाढो प्रेज़ल लॉ कंदा आहियूं, सेवा कंदा आहियूं, पर घर में झगड़ो आहे, कीअं ॿुधायूं पास्टर खे? पास्टर को मत बताओ, प्रभु को तो बताओ, उसको तो इंटरवीन करने बोलो. ऐसी परिस्थितियों में विश्वास ही जा रहे हैं अनबिलीवर्स के बाद, वकीलों के पास, साईं रस्तो कटो, साईं मांडवली करायो, पैसा खाई वियो आहे, हे करे हो करे, राइट, होता है. हैव यू कॉल जीसस, फोन किया उसको, प्रभु कहे कैसे हो सकता है मेरी बेटी के साथ, कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ, कैसे हो सकता है मेरे बिजनेस में, कैसे हो सकता है मेरी सेविकाई में, प्रभु गॉड यू इंटरवीन, कम टू माय हाउस. यहाँ ही दंडवत हो गया था, औंधे मुँह सरदार, उसने बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, लिखा जो 12 साल की स्त्री, और उसको एक बहुत रिस्क उठाने पड़ी कि वो यीशु तक पहुँचे, लिखा कोई छू नहीं पा रहा था, सब लोग यीशु के ऊपर घिरे पड़ रहे थे, चेलों को कहना पड़ा भाई कें ॿुधायूं, कें जो के टच कयो, हेॾा माण्हू था तुंहिंजे मथां किरनि, कीअं ख़बर पवंदी कंहिं तोखे टच कयो, राइट. उस भीड़ में यहाँ आकर उसके सामने दंडवत कर रहा है, गॉड एक्सेप्टेड हिज इनवाइट, कि मुझे दुख के समय बुलाने आ रहा है, उसकी बेटी मरने पर है, राइट. और यीशु जाता है, उस इनविटेशन को भी एक्सेप्ट करेगा, जब आप दुख के समय उसे अपने घर पे बुला रहे हो, ही इज मोर इंटरेस्टेड. और मरे हुए को जिंदा करना यीशु ही कर सकता है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई समाज का कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी आपको डिसीशन सलाह नहीं दे सकता जो यीशु कर सकता है. वो सलाह वाला नहीं देता, सीधा काम करता है. Amen. और आप डिनाई नहीं कर पाओगे जब यीशु की ज़िंदगी आपके जीवन में आएगी. लिखा है सीधा उसके बाप के हाथ में दे दिया, इसको खाना खिला, ध्यान रख इसका. लोगों की परवाह की यीशु ने, शाबोता चवन खिलंदा मुते, कुछ किया, लिटरली लिखा ठट्टा कर रहे थे उसको, वहाँ पर लिखा लो रहे थे, छाती पीट पीट कर बांस नहीं हो जाने वाले, एक्सप्रेशन विद इन सेकेंड चेंज, मजाक समझ रहे हो, मजाक कैसे होता है, बना आपका हंसना बंद ही नहीं हो रहा है, आपका छातो गल है, एडो चरो दिया है, मना सिर्फ बात करना नहीं, लिटरली हंस रहे थे वो, पागल थी और कुछ भी तो गल है, वो मरी हुई क्या हुआ, लोग हंसेंगे आपके बच्चों की परिस्थिति पे, इनका रिश्ता टूट गया, ऐसे हो गया इनके परिवार के साथ, इनका बिजनेस डूब गया, इनकी जॉब चली गई, पति पत्नी में ये नहीं है वो नहीं है, हंसेंगे, दिखाने के लिए रोएंगे, बस जब परिस्थिति आ जाएगी यीशु बोलेगा इन्हनि जो सभु थी वेंदो, असांजे ॿारनि जो तव्हां कन्फेस करणु चालू कयो, आप कन्फेस करणु चालू करो, नहीं मेरे बच्चे का रिश्ता फिर प्रभु जोड़ेगा, उसे फिर ब्लेस करेगा, मेरे बच्चे सुधरेंगे, हंसना चालू हो जाएंगे, वही जो आपकी परिस्थितियों पर रो रहे थे वो हंसना चालू हो जाएंगे, कुछ भी तो ॻाल्हि आहे, ईअं थींदो आहे कॾहिं,
बोलो यीशु करेगा मेरे जीवन में। कन्फेस करो, जैसे प्रभु ने यायर की मरी हुई बेटी को जिंदा किया, वो मेरे घर में आकर अपने शब्द से, वचन से मेरी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेगा, मेरे मरे हुए रिश्तों को जिंदा करेगा, मेरी मरी हुई ब्लेसिंग को वो जिंदा करेगा। मृत्यु नहीं, परंतु यीशु का जीवन मेरे जीवन में कार्य करेगा और मैं उसकी महिमा करूंगी। हालेलुया। एक बड़ी बात उस नगर में फैल गई कि मुर्दा जिंदा हुआ। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं आखिरी वचन, लूका 10:38-42 आखिरी है, ये सेवा से जुड़ा हुआ है। लास्ट टू मिनट्स। पेज नंबर 102, लूका 10:38 वचन, मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमेन। आमेन। ये मेरे लिए भी है, सारे सेवादारियों के लिए जो सेवा आज कर रहे हो मिनिस्ट्री वचन की किसी भी प्रकार की। मार्था और मरियम दो बहनें थी और उन्होंने यीशु को अपने घर पे, वो कहीं जर्नी पे जा रहा था तो समझो शाम हो गई, रात हो गई, तो बोलते हैं यीशु आप कहाँ जाओगे, कल जाना, आज हमारे घर में आ जाओ। सिंपल इन्विटेशन था। और वहाँ पे लिख रहा है यीशु, मैंने कहा गया भीड़ होती है तो यीशु वहाँ पे पहले शिक्षा देता है। इट इज़ हिज जॉब। परमेश्वर का वचन कहने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। एंड व्हेन ही इज इन योर हाउस ना, तो डिनर विनर की चिंता मत करना, पहले उसके वचन सुन लेना। दैट इज़ ब्लेसिंग, राइट? वो वहाँ पे दे रहा है। तो उसकी बहन है ना, मरियम अभी बड़ी थी कि मार्था बड़ी थी मुझे नहीं पता, बट मरियम है ना, उसके चरणों में बैठ गई और उसके वचनों में इतना खोई हुई है ना, मैंने पैर समझो यीशु मेन कुर्सी पे बैठा हो, फर्स्ट है ना, मरियम ही बैठी है, बाकी भीड़ जो भी है पीछे, उसके चेले वेले जो भी कर रहे हैं उसको परवाह ही नहीं, सिर्फ वचन सुनते ही जा रही है। और मार्था सेवा कर करके थक गई क्योंकि भीड़ थी ना, सबको चाय पिलानी है ना, एटलीस्ट चाय खाना वाना लिखा है, इतनी सेवा से घबरा गई। जैसे बहन है ना, माई नहीं दिया लगी ढकी ही नहीं आयो नकंदा हूँ जेके भी, पर बहुत सारी बहनें टेंशन लेती ना, माई नहीं दी, बासण केयर कंदो, रोटी केयर कंदो, हो जाता है बहुत टेंशन, लिटरली घबरा जाते हैं। बारह के ट्यूशन वजनो ये आज कम करना, राइट? या घर पे भाइयों का अगर कोई इंपॉर्टेंट सेल्समैन नहीं आ जाए तो अज केयर कम कर दो, दुकान दे कोई कहने, राइट? समथिंग लाइक दैट। और मरियम आपका एक सहयोगी भाई है, वो भी बिलीवर है, वो आपको छोड़ रहा है, सेवादारी मैं भी हूँ, हम मिनिस्ट्री में हैं, बहुत सारे एल्डर्स हैं, जो लगता है कि हम लोग अकेले ही भाग रहे हैं, बाकी सेवादारी टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है सेवादारी, भाई सेवादारी टाइम में तो नहीं नैन पहुँचना कानन, तभी परमेश्वर कलीसिया के हला रहे, राइट? बोलो सेवा, बोलो प्रभु का भवन, प्रभु का भवन, परमेश्वर का राज्य केवल मेरी सेवा से नहीं चलता, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सामर्थ से, उसकी आत्मा से, उसके वचनों से चलता है। हालेलुया। सेवादारियों को सुन लो, मैं ये मेरे लिए भी रिटर्न में वर्ड, ये परमेश्वर का भवन सेवा सनी की वजह से, सनी की सेवा की वजह से नहीं चलती है, प्रभु के वचन से, उसके अनुग्रह से, उसकी आत्मा से, उसकी सामर्थ से चलती है। हालेलुया। तो सेवादारियों का टेंशन थोड़ा उतारो, कलीसिया में आओ, वचन सुनने के लिए पहले आओ। यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि बी इन माय प्रेजेंस, जो सबसे बहुमूल्य मेरा वचन है ना, उस पर ध्यान दो, सेवा बाद में ऑटोमेटिकली होगी, राइट? और यीशु ने थोड़ी बोला चाय लेकर आ, यीशु ने बोला क्या, या उसने बोला क्या सबको चाय पिलाओ? यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, ये आपके ऊपर तय है। लोगों को बोलने दो, वह यार से चाय भी ना पूछें, पानी और गिलास भी ना पूछें, एडी देर बैठा है इसके लाखन, फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है वो वचन आपके जीवन में कार्य करे।
यीशु को वहाँ के लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, उसकी पता था वहाँ पे वो प्रभु के वचन प्रचार कर रहा था। और यही मार्था और मरियम उस महत्व को बाद में समझते हैं जब उनका भाई लाजर मर जाता है, समझ रहे हो? क्यों वहाँ पे, यहाँ पे कोई वाक्य लिखा था, यीशु क्या कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जब तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देख रही, वहाँ पे कुछ कहा था क्या पहले? वो उस दिन कहा था। और जब बता दें हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं जब पुनरुत्थान होगा तब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य वहाँ के पोर्शन में लिखा हुआ है ऐसा, तो मार्था मरियम को कब पता चला? जब यहाँ पे बैठी थी, समझ रहे हो? पुनरुत्थान की बात हो रही थी वहाँ पे, फ्यूचर में जो होने वाला है, मेरा राज्य आएगा, ये होगा, वो बातें यहाँ पे यीशु कर रहा था। और मरियम ध्यान से सुन रही थी, मार्था को काम का टेंशन था, सेविकाई का टेंशन मत करो, यीशु करेगा। हमारे से पहले भी सेविकाइयाँ होती आई, हमारे बाद में भी चलेंगी, अब भी चल रही हैं। सिर्फ ये कलीसिया नहीं, हज़ारों लाखों कलीसिया, करोड़ों कलीसिया हैं इस दुनिया के अंदर चले जहाँ पे प्रभु के राज्य का काम चल रहा है, राइट? सेवा को आड़े आकर प्रभु से दूर हो जाओ, ये प्रभु को कतई बर्दाश्त नहीं है। वो कहता है मरियम ने एक उत्तम बाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना न जाएगा। समझ रहे हो? बोलो मुझे परमेश्वर की सेवा करते हुए, जब वो मेरे घर में भी है, मुझे उस उत्तम बाग को चुनना है और उसकी महिमा करनी है। प्रभु उन वचनों से आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट वापस से सुन लेते हैं, शायद भाई ने नहीं किया। जिनको बपतिस्मा लेने, अपना नाम और नंबर सभा के बाद मुझे, भाई करण को, भाई पास्टर राजेश को दे सकते हैं। आने वाले शनिवार 29 तारीख को कलीसिया के अंदर शनिवार के दिन 7 से 9 यूथ मीटिंग होने जा रही है। गुरुवार के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 7 घंटों की नॉन स्टॉप वर्शिप, हालेलुया हालेलुया 5 हालेलुया जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये सभा होने जा रही है। एंट्री फ्री है, बोलो फ्री 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 हालेलुया। कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पे जाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, और लिटरली आप विटनेस करोगे वहाँ पे चंगाइयों को, छुटकारों को, आशीषों को, लिटरली, और ब्लेसिंग है। बहुत सब कलीसिया मिलकर सेवा को कर रही हैं, तो हम वहाँ पे जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, ये वेकेशन है, हालेलुया हालेलुया। और मम्मी पापाओं के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, कलीसिया के अंदर 1 मई से लेकर 15 मई तक समर कैंप होगा, हालेलुया, जहाँ पे इस कलीसिया के अंदर कुछ 2 घंटे का समय मुकर्र किया जाएगा। उसका इनविटेशन, उसकी जानकारी आपको कल या परसों तक आ जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। तो 2 घंटे का समय होगा जहाँ पे परमेश्वर के दास और दासियाँ और हमारी कलीसिया की बहनें, उन्हें वचन की शिक्षा, प्रभु के गीतों की शिक्षा, अच्छी बातें सिखाएंगी। तो वेकेशन का टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और ऐसा सिर्फ सीखना नहीं होगा, जब उनका आखिरी दिन होगा ना, तो उन सब पेरेंट को इनवाइट किया जाएगा, आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके बच्चों ने इन 15 दिनों में क्या सीखा है, क्या प्रभु के किया है। और आप लिटरली देखोगे उस दिन आपके बच्चे परमेश्वर के वचन बता रहे हैं, प्रभु के गीतों पर नाच रहे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हालेलुया। तो ज़रूर इस बात को और बहनों तक और परिवारों तक पहुँचाए। मे गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा आप अपने स्थानों पर जो बैठे हो, खड़े हो, आँखें बंद करो। यीशु घर में आने से बहुत सारी बातें होती हैं, उसके जीवन में आने से बहुत सारी बातें होती हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन ने हम सबसे बातें की हैं, हमें उसे घर में रखना है, उसे अपने जीवन में रखना है, ताकि उन ब्लेसिंग को, उन क्षमा को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को आज हम अपने जीवन में, परिवार में, रिश्तों में और सेविकाई में अनुभव करें। प्रेयर कीजिए, मैं कुछ प्रेयर नहीं करूँगा अभी, आखिरी की प्रार्थना भाई संजू करेंगे। हालेलुया। आप प्रभु से बोलिए, आप मुख खोल के बोलिए प्रभु, कुछ भी आप अपने परिवार में, अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए मांगिए, मांगिए प्रभु से कि प्रभु मेरे घर में आइए। प्रभु जैसे आपने उनको ब्लेसिंग दी, उनको चंगाई दी, उनके पाप क्षमा किए प्रभु, उनको शिक्षा दी, वहाँ पर वचनों को कहा, आपने उन पापियों को एक्सेप्ट किया, प्रभु मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? प्रभु आपके पाप है आज मान लो, जैसे पाप ने स्त्री रो रो कर उसे अपने पापों का कन्फेशन किया और प्रभु की माफ़ी को पा लिया,
याहिर की बेटी जिंदा हो गई याहिर जब उसे घर में लाया। हालेलुया। आपके घर में जैसे यीशु ने मार्था और मरियम के घर में, जहाँ पे लकवे का रोगी चंगा हुआ, पतरस के घर पे, सब जगह मिनिस्ट्री की, ये कितना सुहावना अवसर होगा कि आपका घर प्रभु की मिनिस्ट्री का घर, कि आपके घर में प्रभु की प्रार्थनाएं हो रही हो। और सबसे अंत में वो चाहता है हम व्यक्तिगत उसकी उपस्थिति में बैठें, उन वचनों को, उन आने वाली बातों को, प्रकाशनों को सीखें जो हमारे विश्वासी जीवन को थामे रहेगी, हमारी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगी, उस दर्शन को आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। इट्स फॉर ऑल। आज आप यहाँ से चंगे होकर जाओगे, आज यहाँ से आप अपनी माफ़ी मांग लेकर जाओगे, आज यहाँ से आप ब्लेस होकर जाओगे, आज यहाँ से आप शांति पाकर जाओगे, आज यहाँ से आप खुश होकर जाओगे। ये प्रभु का वादा है। दीज आर वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस। ये वचन परमेश्वर के हैं। वो आपको एक्सेप्ट कर चुका है। इट्स नॉट लाइक दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही, पर प्रभु एक्सेप्ट कर चुका है आपको एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में। हालेलुया। ये सबसे बड़ा ऑनर है। हम जैसे बुरे लोगों को प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है एक बेटे और बेटी के समान। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आप हमारे कितने भले परमेश्वर हैं। आपकी करुणा सदा की है मेरे प्रभु जी। आप हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। पिता हम आपके उपकारों को याद करते हैं कि आपने हमारे साथ कितनी भलाई की है प्रभु। जितनी बार प्रभु हम आपका धन्यवाद करें उतना कम है मेरे परमेश्वर पिता। आज भी प्रभु अगर हम कहीं भी अपने जीवन में गलती करते हैं या ऐसी कोई बात करते हैं जिससे प्रभु आपको अगर दिल दुखता हो, आपकी नाराज़ होते हैं, तो प्रभु आप हम पर दया करें प्रभु। हमारे जीवन से ऐसी बुरी बातों को आप निकाल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको हमेशा पसंद आने वाली भेंट चढ़ा सके पिता, ऐसी दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जैसे आज हमने कई सारे चमत्कार प्रभु बाइबल के हम लोगों ने पढ़े प्रभु, वचन के ज़रिए प्रभु, जैसे प्रभु आप, प्रभु यीशु आपने इस संसार में रहते हुए कितने अद्भुत चमत्कार किए थे मेरे परमेश्वर पिता। हम जब भी उन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे अंदर एक विश्वास और जगता है प्रभु, एक थ्रिलिंग आता है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। 2000 साल पहले आपने वो कार्य किए थे और 2000 साल बाद जब भी हम आज हम उन वचनों को जब भी पढ़ते हैं तो प्रभु आप हमसे बातें करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि उसी रीति से प्रभु आपने यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु कुछ न कुछ कार्य प्रभु किया है, चमत्कार किया है प्रभु जी। हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता अगर किसी भी भाई या बहन के जीवन को जो भी आवश्यकता हो प्रभु, या कुछ कार्य अगर नहीं हुआ है, तो आप अपना अनुग्रह करके प्रभु जी उनके जीवन में ऐसा कार्य करिए ताकि उनका विश्वास बढ़े प्रभु और आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, आप कल आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। आप जो 2000 साल पहले थे प्रभु, आज भी आप वही परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप वही तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं, दयालु हैं प्रभु जी। जो भी आपसे प्रभु, आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपने कहा है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा पिता। हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं प्रभु। आए हुए सारे भाई बहनों को आप आज छूकर प्रभु आशीष दीजिए प्रभु। जिनको चंगाई की ज़रूरत है आप चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जिनको प्रभु जो आर्थिक तंगी में है मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए मार्ग निकालें प्रभु, ताकि वो अपने प्रभु फिनेंशियल पूरी रीति से स्ट्रांग हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी हम आपसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारे यहोवा चरवाहा परमेश्वर हैं प्रभु। हमें किसी बात की घटी नहीं होने देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दुआ प्रार्थना करते हैं आए हुए सारे भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को आप आशीष देना मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन और उनके पूरे परिवार प्रभु जी उद्धार पाने पाए पिता। ऐसी मैं आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज होने दीजिए मेरे प्रभु जी, जिनके जहाँ कहीं भी रिश्तेदार हैं प्रभु,
कहीं पर भी इस इंडिया में रहते हैं प्रभु, वे लोग भी बचाए जाएं पिता, उनका उद्धार होने पाए पिता, ऐसी दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हम दुआ प्रार्थना करते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले हमने सुना कि प्रभु हरिद्वार के अंदर प्रभु आपकी कलीसियाओं को बंद किया जा रहा है, प्रभु हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया मिलकर प्रभु वहाँ पर ऐसा कार्य करिए मेरे प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हम सुनते हैं कि आपके नाम से अगर कहीं पर भी सताव आता है तो वहाँ पर आपका कार्य और बढ़ जाता है मेरे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया मिलकर प्रभु उस नगर में, उस हरिद्वार में भी प्रभु आपका राज्य बढ़ने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु बंद करने को सोचा है प्रभु जी, उनके मनों को परिवर्तन कर दीजिए प्रभु, ताकि वे लोग भी आपकी महिमा को देखने का पाए प्रभु जी, आपके स्वाद को चखने पाए कि आप कितने भले परमेश्वर हैं प्रभु जी। होने देना मेरे परमेश्वर पिता, इस भारत देश में भी प्रभु हर जगह पर जहाँ कहीं भी प्रभु सताव हो रहा है प्रभु आपके नाम से प्रभु, वहाँ पर और आपका राज्य बढ़े प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। उन सारे रुकावटों को प्रभु, हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर एक जगह प्रभु आपके नाम से महिमा होने पाए प्रभु, आपका कार्य होने पाए प्रभु पिता, ऐसी दुआ मांगते हैं प्रभु। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है मेरे परमेश्वर पिता, हम सबके जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु, हम हमेशा घटते जाएं प्रभु और आप सदा बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। आगे जो भी प्रभु उन कुछ दिनों में प्रभु जो मीटिंग्स होने वाली है प्रभु, उन सारी मीटिंग्स का ताबा आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उन मीटिंग के जरिए भी प्रभु सारी महिमा आपको मिले पिता, ऐसी दुआ मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। एक आखिरी गीत गाएंगे, आखिरी आशीष को भी लेंगे। मैं चाहूँगा भाई जिमी और सिस्टर रेशल मिलकर आखिरी गीत गाएंगे, इस दौरान हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। हालेलुया प्रभु। ओके, एक गुड न्यूज़ है, एक और गुड न्यूज़ है। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने बाइबल स्टडी को, मंडे वाली बाइबल स्टडी को ऑनलाइन कर दिया था, प्रभु का धन्यवाद। कल से वो कलीसिया में होगी, हालेलुया। कल से, मंडे से, हर सोमवार को शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक इस कलीसिया के अंदर बाइबल स्टडी होगी। जो वचन को सीखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। सारे भाई बहनों के लिए ओपन है। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे बचाया, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह दिखाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी
राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सच में बेटा तेरा धन्यवाद। आइए हम मिलकर आखिरी आशीष को लें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अपवित्र आत्मा की सेवागता आज से लेकर सदा तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। आमीन आमीन। भाई भाइयों से मिलेंगे, बहन बहनों से। एक गुड न्यूज़ है, हमारी बहन संजना के जीवन में परमेश्वर ने एक भला कार्य पूरा किया है। मूलचंदानी परिवार और परमेश्वर ने भठीजा परिवार को जोड़ा है। इस खुशखबरी में आप मुंह मीठा करके जाइएगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।